Thank you, finance to look. Thank you so much. आज तुमने उधर तो मेरे को बहुत बात करा। Thank you बोलने भाई लोग को शुरू में आते हैं। तुमने और क्या जैसे ना भाई लोग का नाम बदला हूँ। सही है सही। मेरे वजह से सब करता हूँ। तेरे वजह से नहीं बताऊँ जैसा क्या जैसे हुआ। चलो मैं भी चलता हूँ। मानने के नहीं अभी तक। मैं सुनने से बात कर लेता हूँ और जैसे कुछ पता चलता है उसके बाद ही बोला लेना इसमें इंस्टॉल है ना सब क्या फोटोशॉप है सब ये मैं बुला लेता हूँ हाँ निश का लैपटॉप इधर ही इधर ही घर पे या मस्त हाँ ऐसा लगे कि यहाँ पे काम नहीं होता तो जाके करके बोलता हूँ मैं लेट्स ट्राई बी ऑप्शन ऑफ यू डन 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 आवाज आती है रोशन हाँ सर बुक आणि एक पेन आणि कॅल्क्युलेटर घेऊन ठेवा ठीक आहे हाँ सर Okay, I guess everybody are there. Roshan there, Aditya there.
आवाज आ रहा है आदित्य सिद्धांत? हाँ सर आ रहा है। Paul and Pranav is left. We'll wait for them. Yes. अच्छा, कैन यू जस्ट चेक इफ पॉल मेरा पॉल एंड सीधा ये प्रणव? यस सर, आई विल जस्ट कॉल हिम। हां सर। तो अँटी फ्रिक्शन बिअरिंग झाला का? अँटी फ्रिक्शन बिअरिंग आहे ना, लाईफ ऑफ अँटी फ्रिक्शन बिअरिंग तो एकच पार्ट बाकी आहे, एल इज इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू रेज टू ए वाला फॉर्म्युला, तो एक फॉर्म्युला बाकी आहे। हा सर चालेल, छोटासाच पार्ट आहे आणि मेन चॅप्टर आहे। हा तो पण तो करूया आपण नंतर करूया थोडा, पण हा खूप महत्वाचा आहे आणि चॅप्टर नंबर 6 जो तुमचा आहे ना त्यातून तुम्हाला हे विचारलं जाणार। सो लेट अस कम्प्लीट दिस पार्ट, आणि हा थोडा मोठा आहे, ऑल्दो 6 मार्क्सचा टॉपिक आहे हा फक्त, ठीक आहे। आय मीन डिझाईन ऑफ थ्रेडेड जॉईंट करतो, चॅप्टर डिझाईन ऑफ थ्रेडेड जॉईंट नाही आहे, चॅप्टर इज डिझाईन ऑफ थ्रेडेड जॉईंट अँड वेल्डेड जॉईंट। त्याच्यामध्ये दोन सब पार्ट आहे, एक थ्रेडेड जॉईंट आहे दुसरा वेल्डेड आहे। तर फक्त थ्रेडेड जॉईंट 6 मार्क्सला येतो, वेल्डेड जॉईंट 6 मार्क्सला येतो, पण हा कम्प्लीट करण्यासाठी याच्यात 5 टाईपचे न्युमेरिकल ते करावे लागतात 6 मार्कासाठी। न्युमेरिकल सर चॅप्टर का, और आपको इसका ये एसेंट्रिक लोडिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा रहेगा प्रोबेबली ज्यादा करके। हां, ये काय सर परपेंडिकुलर और वो पैरेलल वाले इसमें। हां बराबर बराबर, उसके ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट प्रीवियस इयर्स में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पहले वाले क्वेश्चन, पहले जो है ना सिंपल सम्स, उसके ऊपर भी आया क्वेश्चन, तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, आई गेस सिर्फ पॉल बाकी है, राइट? हां यस सर। सर पॉलसन का फोन नहीं लग रहा, उसका फोन नहीं लग रहा सर, ट्राई किया मैंने, वो खुद सबको फोन कर रहा था, अभी क्या हो गया इसको? टाइम पे आ जाएगा ऐसा बोला था। हाँ हाँ, देखो ऐसा ये टॉपिक सिर्फ 6 मार्क के लिए, बट बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मेरे को टाइम पे करना था, 5-10 मिनट भी अगर लेट होगा तो उतना डिले होते रहते। नहीं लग रहा है ना पॉल का कॉल? हाँ सर ये तो कॉल केला होता मी त्याला। ओके ठीक आहे।
अच्छा एवरीवन जस्ट कीप अ पेन बुक एंड कैलसी विद यू सो दैट यू नो बाद में ढूंढना ना पड़े. आज बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा. चलो विल स्टार्ट. आई थिंक एवरीबॉडी इज देयर. विल स्टार्ट. ठीक है चालू करें नाउ. विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 6. ठीक है दैट इज डिजाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट्स व्हिच इज फॉर डिजाइन ऑफ थ्रेडेड जॉइंट्स एंड वेल्डेड जॉइंट्स. उसका सिर्फ पहला वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग. वी आर जस्ट डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज थ्रेडेड जॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलो चालू करते हैं अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन बाय स्क्रू जॉइंट. तो स्क्रू जॉइंट कैसे होता है, क्या दिखाई देता है, उसके बारे में बात करते हैं. Now, whenever you're seeing a cylindrical shape and on that cylindrical shape, if you see helical grooves, agar aapko helical grooves banaya hua dikh raha hai, then what, and these grooves should be continuous. It should not be discontinuous. It should be continuous. So, yahan se aake wapas yahan pe aa raha hai. So, whenever on a cylindrical surface, if you're creating helical grooves, then what you're creating is nothing but a screw. Samajh mein aa raha hai? Theek hai? Now, the distance between two adjacent screws or from one any one point of the screw to the adjacent screw is called as pitch. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? Now, yes, now ये type का जो यहाँ पे आपके सामने जो screw दिख रहा है, this is called as single start screw. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं single start screw. Why? Because pitch is very constant. ठीक है? So any screw made by cutting single helical groove on a cylinder is known as single start threaded screw. ना हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो हेलिकल ग्रूव है ना दोनों के बीच में, वहां पे हम लोग क्या करेंगे और एक थ्रेड बना देंगे. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैन यू सी, यहाँ पे जो हेलिकल ग्रूव प्रेजेंट था उसमें और एक थ्रेड बना दिया. फिर बाद में यहाँ पे जो प्रेजेंट था उसमें और एक थ्रेड बना दिया. यहाँ पे जो प्रेजेंट था उसमें और एक थ्रेड बना दिया. सो ऐसे हम लोग ने क्या कर दिया, वेन एवर वी आर एडिंग वन मोर थ्रेड वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द पिच. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक पहले थ्रेड था राइट right? तो हम लोग ने यहाँ पे जैसे ही और एक बना दिया तो हम लोग ने आपका पिच रिड्यूस कर दिया. ये समझ में आ रहा है आपको? ओके. सो दिस पर्टिकुलर स्क्रू इज कॉल्ड एज डबल स्क्रू थ्रेड क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे दो थ्रेड अरेंज किया हुआ है. सो व्हेन अ सेकंड थ्रेड इज कट इन द स्पेस बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द फर्स्ट इट इज नोन एज डबल स्टार्ट थ्रेडेड स्क्रू. ये समझा आपको? राइट right? yes, इससे फर्क क्या पड़ता है ये समझने का ट्राई करते हैं. देखो थियोरी तो पार्ट इजी है, आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए. नाउ पिच रिड्यूस किया, पिच रिड्यूस करने से क्या होगा, अगर मेरे पास कोई एक टैप है ठीक है, स्क्रू और नट का एक मैकेनिज्म है और अगर मैं पिच रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसको निकालने के लिए या फिर वर्टिकल डिस्टेंस कवर पूरा ज्यादा कवर करने के लिए ज्यादा बार घुमाना पड़ेगा और अगर पिच कम है तो मेरे को कम बार घुमाना पड़ेगा. नाउ इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, इट विल बी कुछ तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से. नाउ वीडियो का आवाज नहीं आ रहा ना आपको? नहीं सर. अभी भी नहीं आ रहा ना? नहीं सर. ओके ठीक है. देखो ना अभी यहाँ पे क्या बता रहा पता है, दिस इज सिंगल थ्रेडेड स्क्रू. अभी देखो उसको घुमा, उसका जब हम लोग नट घुमाते हैं तो उस नट को नीचे आने में कितना टाइम लगता है ठीक है, समझे आपको? उसने सिर्फ एक बार घुमाया तो हाफ इंच से नीचे आ गया राइट.
So what I wanted to show you people was ki whenever we are reducing the pitch, we are actually changing the number of rotations required to move by a particular distance. हम लोग जब इस स्क्रू को घुमाते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस मूव करता है ना, तो वो डिस्टेंस कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग पिच को कम या ज्यादा कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर हां बोल सर, आई हैड डाउट, अगर हम लोग अभी थ्रेड्स इंक्रीज किया तो मतलब तो हम लोग को अभी डबल थ्रेड में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ना सिंगल थ्रेड से. राइट राइट, डिस्टेंस उतना ही रहेगा बट आपको बहुत दो बार रोटेट करना पड़ेगा. ऐसा टू टाइम्स बट यू नीड टू रोटेट इट मच by more number of rotations should be there so that it can cover the same distance. समझ में आ रहा है? For example, अगर आप घर पे कोई भी बॉटल उठा के देख लो, जो बड़ा वाला बॉटल है या फिर कोई फूड प्रोडक्ट्स वाला जार रहता है ना बड़ा, जिसमें जैम्स रखते हैं, उसका अगर आप देखोगे ना स्क्रूज तो आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो इससे होता है क्या, उसको एक बार घुमाने से वो खुल जाता है. समझ में आ रहा है? राइट. बट कोई दूसरा अगर बॉटल देखोगे ना तो उसमें ये ऐसा ये थ्रेड्स बहुत ज्यादा रहता है, तो इट टेक्स टाइम टू ओपन. समझो आपको? तो दिस वाज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल अबाउट हाउ डज अ स्क्रू लुक्स, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज सिंगल स्टार्ट एंड डबल स्टार्ट. इसमें अगर और एक थ्रेड लगा देंगे तो ये और बढ़ जाएगा, तो वैसे हम लोग उसको मल्टी स्टार्ट थ्रेडेड स्क्रू बोल सकते हैं. ठीक है, समझा? राइट, सो वी विल मूव अहेड एंड लर्न समथिंग कॉल्ड एज What are the main two elements of any screw joint? कोई भी screw joint रहता है, उसका दो main elements. आप बताओ मेरे को, कौन सा दो main elements होता है किसी भी screw joint का? Simple है. Thread. Thread. Thread और tapered part. नहीं. Neck, नहीं. Screw joint के बारे में बात कर रहा है. सिर्फ screw के बारे में बात कर रहा है. अगर मेरे को किसी भी चीज को screw के through joint करना है, तो मेरे को कौन सा चीज लगेगा? पिच, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड. हां सर, इंटरनल एक्सटर्नल. अच्छा, इंटरनल थ्रेड किसके ऊपर होता है, बना हुआ होता है? नट. थ्रू. राइट. तो मेरे पास एक स्क्रू चाहिए, दूसरा आपको एक नट चाहिए. सो दीज आर द टू मेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्रू जॉइंट. सिंपल. ठीक है, तो हम लोग स्क्रू जॉइंट का एडवांटेज के बारे में बात करते हैं. आई गेस आई नीड टू म्यूट. ओके, सो इसके एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस? कोई भी स्क्रू जॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो इट कैन बी क्विकली यूज्ड टू एंगेज एंड डिसएंगेज टू मेटिंग पार्ट्स. यहाँ पे दिख रहा है, अगर इनको वापस डिसएंगेज करना है तो अगेन इट इज वेरी इजिली वी कैन डिसएंगेज देम. राइट, समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे टायर में हम लोग ने यूज किया है, टायर्स को लगाने में और वापस निकालने में आसानी होता है. समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको डिसएंगेज करने में आसानी चाहिए, राइट, और एंगेज भी बहुत क्विकली होना चाहिए, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग स्क्रू जॉइंट यूज करते हैं. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. चैप्टर का नाम लिखा रहेगा आप लोग ने, तो आप पहला वाला क्वेश्चन लिख लो. दैट इज गिव एनी टू एग्जांपल्स वेयर स्क्रू जॉइंट्स आर प्रेफर्ड फॉर वेल्डेड जॉइंट्स. सो वन एग्जांपल ओवर हियर इज फास्टनर्स. फास्टनर्स में हम लोग करते हैं. सेकंड इज ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट सच एज शाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट टायर्स. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन लिख लेना, गिव टू एग्जांपल्स व्हाई स्क्रू जॉइंट्स आर प्रेफर्ड ओवर वेल्डेड जॉइंट्स, या फिर सिर्फ इतना लिखो तो भी चलेगा. एग्जांपल्स ऑफ स्क्रू जॉइंट्स, आंसर में लिखना फास्टनर्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स सच एज टायर्स एंड क्रैंकशाफ्ट. ठीक है? हां सर. सर तो फर्स्ट वाला फोटो का है फास्टनर्स. फास्टनर्स डन. यस सर. यस सर. नाउ राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रू जॉइंट. नाउ एडवांटेजेस तो बहुत है, राइट, आपको पता रहेगा. एक एक करके डिस्कस करते हैं. आई वांट वन ऑन वन आंसर से क्वेश्चन से. ठीक है पॉल, पहले तू बता कि व्हाट यू थिंक इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्क्रू जॉइंट, किसी भी स्क्रू जॉइंट का. सर हम लोग
रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर वेल्ड करते तो परमानेंट जॉइंट हो जाता ना, ये जॉइंट हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। मतलब फास्ट एंगेज और डिसएंगेजमेंट करने के लिए हम लोग स्क्रू जॉइंट यूज कर सकते हैं, राइट? हां सर। अच्छा प्रणव, तू बता मेरे को व्हाट कैन बी द अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्क्रू जॉइंट? सर फॉर लिफ्टिंग समथिंग और फॉर जस्ट लाइक अ स्क्रू जैक वी कैन मींस यू आर ट्राइंग टू टेल कि सर फॉर ट्रांसमिटिंग पावर वी कैन यूज। हां यस ठीक है सर, उसके लिए यूज कर लेते हैं। उसके लिए जॉइंट नहीं बोलेंगे हम लोग, स्क्रूज यूज करते हैं, बट स्टिल वी कैन कंसीडर इट। चलो ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट कम्स योर माइंड? सर स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट है मतलब आपको इजीली अवेलेबल भी रहता है मार्केट्स में, राइट? जैसे आपका एप्लीकेशन चेंज होगा वैसे आप अलग अलग तरीके का स्क्रू जॉइंट्स यूज कर सकते हो, कहीं पे स्टड यूज कर सकते हो, कहीं पे नॉर्मल आपका थ्रेड्स यूज कर सकते हो अगर आपको कम रोटेशन चाहिए। मतलब जैसे ऑपरेशन चेंज हो रहा है वैसा आपके पास बहुत अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। सो देर आर मेनी वेराइटीज इन स्क्रू जॉइंट्स, समझ में आ रहा है? नाउ वन मोर एडवांटेज दैट वी कैन टेल इज कि स्क्रू जॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड हाई क्लैंपिंग फोर्स। मतलब हम लोग को जितना टाइट करना है उतना टाइट कर सकते हैं, सही है? मतलब क्लैंपिंग फोर्स कैन बी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ स्क्रू जॉइंट्स, समझ में आ रहा है? सो दिस आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स और अदर एडवांटेजेस ऑफ अ स्क्रू जॉइंट। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। So first advantage was they are convenient to assemble and disassemble in case of breakage or maintenance, jaise Paul ne bataya tha. They are relatively cheap to produce because of standardization, right? Third is they give high clamping force, and the fourth one is a wide range of screw joints may be adopted for various operating conditions. Ye samajh mein aa raha hai? Theek hai? Now tell me what are the disadvantage? Disadvantage main bata deta hu aapko ki bahut less strength. Less strength than welded joints. Strength, exactly. Less strength than the welded joints. ठीक है? तो जो भी screw joints होते हैं उसके ऊपर उसका strength welded joint से कम होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है इसके बारे में एक बात करते हैं। Now, sir, क्योंकि वो parts move होते रहते रहेंगे ना, क्योंकि हमेशा वो completely ये नहीं रहता, joint नहीं रहता, तो welded stress concentration अलग रहता है जब unstable रहता है। अच्छा why does the stress concentration is more? Why stress concentration is more? क्यों ज्यादा क्यों होता है ये बता सर। अब मेटल रिमूव हो रहा है ना सर, और फिर अचानक से बढ़ रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन डिक्रीज भी हो रहा है। एग्जैक्टली। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्रू, वी नो इट इज नथिंग बट अ सिलेंडर ऑन व्हिच वी हैव क्रिएटेड हेलिकल ग्रूव्स। मतलब क्रॉस सेक्शन साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सो इन सच ए केस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रैपिडली, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, समझ में आ रहा है? बट इन केस ऑफ वेल्ड वैसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए वेल्डेड जॉइंट्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द थ्रेडेड जॉइंट्स और स्क्रू जॉइंट्स। सो दीज आर द टू एडवांटेज, दैट इज हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। द टू एडवांटेजेस आर हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द थ्रेडेड पोर्शन इज अ प्रॉब्लम अंडर वेरिएबल लोडिंग कंडीशन, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रू जॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट्स। ये समझे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज? हां सर, क्लियर है? ये वाला फटाफट लिख लोगे आप लोग? हां सर। ठीक है, आफ्टर यू डन विद द राइटिंग जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है,
जैसे जैसे आप लोग का कंप्लीट हो रहा है प्लीज रेज योर हैंड. रोशन का हो गया मेरे को पता है, और पांच चार जन का बाकी है. आदित्य हो गया ठीक है. ओके पॉल का भी हो गया ठीक है चलो. सो कितने कोई बाकी है जिसका अभी तक लिख रहा है? हाँ सर मैं भी बाकी हूँ. ठीक है ओके चलो आई गेस सबका हो गया राइट. हाँ सर एक डाउट है. यस सर. हाँ बोलना सर. इसमें स्क्रू जॉइंट्स में होल्स कहाँ पे होते हैं? स्क्रू जॉइंट्स में होल्स कहाँ पे होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्क्रू वी आर यूजिंग. फॉर एग्जांपल अगर दो मेटिंग पार्ट है, कोई भी दो मेटिंग पार्ट है ठीक है. लेट सपोज कि यू हैव वन मेटिंग पार्ट ओवर हियर राइट, और दूसरा मेटिंग पार्ट इसके नीचे है राइट और इन दोनों को ज्वाइंट करना है. तो इस दोनों के ऊपर आप एक एसेंट्रिक होल ड्रिल करके इसके थ्रू आप एक स्क्रू अंदर फीड करोगे. तो यहाँ पे हम लोग होल खुद से क्रिएट करते हैं. हाँ हाँ ठीक है. साजो ने डिसएडवांटेज है ना कसा? अच्छा हाँ स्ट्रेंथ होल्स नेसेसरी प्री ड्रिल्ड. हाँ बिकॉज इट रिड्यूसेस द यू नो मेटल का एरिया. सो जो भी कॉम्पोनेंट है उसका स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लैंज कपलिंग होता था राइट, फ्लैंज कपलिंग का साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा बिकॉज देर आर टू सर्कल्स राइट. तो इसमें जब भी हम लोग थ्रेड्स डालते हैं तो ये वाला जो एरिया था ये यहाँ पे होल हो जाता है अंदर से. सो इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है फ्लैंज कपलिंग का. ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. क्लियर है? Yes, so we'll move forward and we'll try to understand what are the different types of screws, right? Various forms of thread. मतलब depending upon thread का profile, उनको कैसे classify किया जाता है. Now again, this content that I'm talking or rather I'm teaching is not in your exam. ये exam में नहीं आएगा. आपके syllabus और book में दिया है, but exam में आएगा नहीं. So बहुत simple सा है, ठीक है? Let's focus. पहला वाला दिख रहा है आपको. This is called width-worth thread form. इसका profile देखो. हर चीज का दिख रहा है. एक नॉर्मल क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, एंगल दिया है राइट. सो ऐसा फॉर्म का जो थ्रेड रहेगा जिसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे विथ वर्थ. आपका जो नॉर्मल स्क्रू थ्रेड आपको मिलता है वो इसी प्रोफाइल के इसी शेप के आसपास रहता है ना. कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. दिख रहा है आपको? सो दिस इज योर नथिंग बट योर विथ वर्थ थ्रेड. The second that is not we are going to learn is called as acme thread. Now acme thread देखोगे तो इसमें और इसमें फर्क क्या आ रहा है? यहाँ पे आपको एक trapezium दिखाई देगा, एक trapezium दिखाई देगा, दिख रहा है? यहाँ पे आपको triangle दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आपको एक trapezium दिखाई देगा. So these threads are nothing but an acme thread. Now we are not discussing इसका application, इसका uses, but we are just observing कि अच्छा acme thread दिखता कैसे है? समझ में आ रहा है? And this is how this it will look in reality. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है. यहाँ पे आपको अगर देखोगे यहाँ पे दिखेगा नहीं ठीक से, बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस दिखाई देगा, बट यहाँ पे आपको पूरा रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाई देगा. समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट?
this is nothing but your acne screw. This was your Whitworth thread form. This was your acne screw. ठीक है? Next वाला देखते हैं. This is your buttress thread. तो buttress thread में क्या होगा? एक पूरा का पूरा inclined रहता है, right? At 45 degree and other one is perpendicular. तो एक उसका प्लेन रहेगा वो इंक्लाइन रहेगा दूसरा 45 डिग्री पूरा 45 डिग्री रहेगा दूसरा परपेंडिकुलर रहेगा देन सच अ स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड एज बटरेस थ्रेड तो ये हम लोग ऐसे सिचुएशन में यूज करेंगे जहां पे आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए और फ्रिक्शन बहुत कम चाहिए समझ में आ रहा है दिस इज हाउ अ बटरेस थ्रेड लुक दिख रहा है आपको ये इंक्लाइंड है फिर बाद में वापस स्ट्रेट है ये इंक्लाइंड है बाद में वापस स्ट्रेट है क्लियर है सो दिस इज नथिंग बट योर बटरेस थ्रेड Let's look at something else. Square thread तो सबको पता है, right? हम लोग lathe machine में use करते हैं, जहाँ पे भी आपको power बहुत efficiently transmit करना है, वहाँ पे आप लोग square threads use करते हो, सही है? Yes. ठीक है? Then we have something called as knuckle thread. अभी knuckle thread दिख रहा है, ये पूरा cycloidical shape के form में रहता है. This is called as knuckle thread. तो जो दो meeting parts रहते हैं, उनका shape cycloidal shape में रहता है. कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. So this is called as cycloidal thread form. The last one is unified thread. Square thread is angle 90 degree or 0 degree? Oh no, flank or over, na? It is 90 degree. Na? Again, square. Square. Eh, na? Acha. So kutla angle? Kutla thread one is 0 degree aega, sir. Kya mara member jodi kutla thread thread sa 0 degree hota. Kutla thread sa 0 degree dile. I think so it is square thread but ये जो square thread है ना इसका ही zero degree है 90 रहेगा ना उन्हें 90 अच्छा देखो बहुत simple सी चीज़ है whenever we take an angle ना we take angle two consecutive planes तो अगर इनके दो बीच में का planes में अगर आप angle लोगे तो आपको angle zero मिलेगा we don't take angle between this plane and this plane इसके और इसके बीच में लेंगे तो हमेशा आपको 90 डिग्री मिलने वाला है ठीक है तो इसका एंगल ही जीरो होना चाहिए समझ में आ रहा है यस सर कोई डाउट है नहीं सर ठीक है रोशन क्लियर है सारा डाउट हां सर नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज नकल थ्रेड ठीक है या फिर नकल स्क्रू थ्रेड बोलते हैं साइक्लोइडल शेप रहेगा अगर स्क्रू का फॉर्म का तो इसको हम लोग नकल स्क्रू थ्रेड बोलते हैं राइट ये भी वहां पे यूज करते हैं आपको आप जहां पे आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ चाहिए एफिशिएंट चाहिए नाउ लास्ट वन इज कॉल्ड एज यूनिफाइड थ्रेड फॉर्म नाउ यूनिफाइड थ्रेड फॉर्म में इट इज लाइक सिमिलर टू द एक्मे थ्रेड बट डिफरेंस इतना है कि क्रेस्ट के यहां पे आपको एक ये स्मूथ एंड नहीं दिखेगा आपको एक टेपर्ड एंड मिलेगा समझ में आ रहा है सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफाइड थ्रेड फॉर्म अगर ये एक्मे थ्रेड होता था तो एक्मे थ्रेड में यहां पे आपको एक ऐसा शेप दिखाई देता था और नीचे ऐसा दिखाई देता था पर यहाँ पे नहीं दिखाई देगा यहाँ पे आपको ट्रेपीजियम वाला थोड़ा शेप दिखाई देगा सो दिस वाज योर यूनिफाइड थ्रेड फॉर्म सो दिस वाज द सिक्स फॉर्म्स दैट आर देयर इन योर बुक्स याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा बट आपको इमेजेस देख के समझ लो कि कैसा दिखाई देता है करके ठीक है नाउ समथिंग यूनिफाइड थ्रेड का एंगल कितना था कितना 60 हां ठीक है और एक्मे का 55 था आई गेस 55 ठीक है तो ये पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है बट विल जस्ट रिवाइज इट सो माइनर डायमीटर दिख रहा है हम लोग जब रूट टू रूट जब भी हम लोग डायमीटर लेते तो उसको हम लोग बोलते हैं minor diameter ठीक है this minor diameter is represented by a symbol which is d subscript o तो ये आपका minor diameter है this वाला d subscript o ये समझो आपको ठीक है now sir core diameter म्हणजे minor diameter exactly core diameter sorry do नहीं बोलेंगे sorry my mistake इसको do नहीं बोलेंगे इसको dc बोलेंगे flow में चला गया we'll call it as dc not do dc So this is your core diameter and not nominal diameter. DC is minor diameter भी बोलते हैं या फिर core diameter भी बोलते हैं. Then we have a major diameter जो जहाँ जो shaft का diameter था पहले वहाँ से आपने thread बनाना चालू किया right? So that is the minor diameter, major diameter and it is called as DO. उसके लिए और एक नाम भी दिया हम लोगों ने nominal diameter. It is also called as nominal diameter.
ठीक है, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पिच डायमीटर, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट स्मॉल पी भी लिखते हैं, दैट इज पिच पिच डायमीटर. नाउ रूट क्या होता है आपको पता है, राइट? क्रेस्ट क्या होता है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट आपको रूट बोला जाता है. दिस वन पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, एंड दिस पार्ट द इंक्लाइन पार्ट इज कॉल्ड एज थ्रेड फ्लैंक. ये जो इंक्लाइन पार्ट यहाँ पे होगा हर एक, दैट दोज आर कॉल्ड एज थ्रेड फ्लैंक. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स एनी पॉइंट बिटवीन टू, अगर मैंने यहाँ पे लिया एक पॉइंट, ठीक है, इट इज नॉट दैट कि ये पॉइंट से ये पॉइंट पे ही होना चाहिए. अगर मैंने ये थ्रेड के ऊपर, लेट से ये पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लिया है, साइमल्टेनियसली इसी थ्रेड के ऊपर अगर यहाँ पे आगे लूंगा तो इसको भी हम लोग पिच बोलेंगे. ये समझ में आ रहा है? Yes. And the angle between the two flanks is called as thread angle. So the angle between two flank is called as thread angle. Clear है? इसमें और एक part होता है वो दिया नहीं है, that is called as lead. Lead क्या होता है? Can anyone tell lead क्या होता है? Any idea? Horizontal distance traveled by the thread in one revolution. Right, perfect. अगर मैं ये screw को rotate कर रहा हूँ तो ये कितना horizontal distance travel करेगा? That is nothing but my lead for one rotation. ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंगल थ्रेड के बारे में जब भी बात करेंगे तो लेड इज इक्वल टू पिच, मतलब जितना पिच होगा उतना वो डिस्टेंस एक रोटेशन पे ये करेगा. ठीक है, सो दिस वाज सिंपल टर्मिनोलॉजी. आपको सिर्फ ये याद रखना है डीओ क्या होता है, डीसी क्या होता है, ठीक है, पिच क्या होता है. ठीक है, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछते क्या? नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको डायरेक्टली, बट न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे ना तभी ये टर्म्स आपको याद रहना चाहिए कि क्या है करके, वरना आप सिर्फ सोचते बैठोगे कि डीसी अच्छा माइनर होता है, बट ऐसा आपको विजुअलाइज नहीं हो कि अच्छा डीसी ये एक्चुअली ये डायमीटर है, इसलिए बताया मैंने. ठीक है, ओके, चलो वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टनिंग. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. इसके पहले जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देखा था, दैट वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज बेस्ड ऑन प्रोफाइल. प्रोफाइल कैसा कैसा था उन लोग का, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ने क्लासीफाई किया था. ठीक है, बेस्ड ऑन दी प्रोफाइल हम लोग ने क्लासीफाई किया था. अभी जो हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट फॉर्म के ऊपर क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, आपको पता चलेगा कैसे. नाउ फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बोल्ट दैट यू आर सेइंग इज नथिंग बट द थ्रू बोल्ट. ये बोल्ट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज थ्रू बोल्ट. तो थ्रू बोल्ट में एक पार्ट में आपके पास कोई थ्रेड नहीं है और एक पार्ट पे थ्रेड है और यहाँ पे नट है आपके पास. ठीक है, ये बोल्ट किसी ने देखा है कभी, थ्रू बोल्ट? Have you ever seen through bolt? देखा है? हाँ सर. हाँ सर, शायद. Okay. इसको इसको स्टेज की तरह पड़ा था. क्या क्या इस क्या बोल रहा है? सर वो स्टेज कुछ तो लगाते हैं, एक साथ रखते हैं लोग स्टेज. Right, perfectly, perfectly. अब I चलो आपको पता है तो मतलब वीडियोस बताने का जरूरत नहीं है. ठीक है. Now. दाखो. ठीक है ठीक है. So what he's trying to tell is that he has a wooden piece, उसमें उसने hole drill किया है और ये wooden piece उसको ground के ऊपर fix करना है. ठीक है, तो कैसे कर रहा है वो बता रहा है.
सर इंजन के भी हेडर ब्लॉक को लगाने को यही बोल दूसरा होता है ना क्या बोल रहे हैं इंजन के हेड और इंजन के ब्लॉक को लगाने को भी सेम बोल दूसरा होता है ना इंजन के हेड और इंजन को इंजन के ब्लॉक को जॉइंट करने के इन्हें मेरे को नहीं समझ में इंजन का हेड क्या होता है सिलेंडर का हेड समझ में आता है मेरे को इंजन का हेड नहीं समझ में आता सर वो ऊपर रखते हैं ना इंजन के ब्लॉक के ऊपर का जो मेन पार्ट आता है जिसपे वॉल का फुल मैकेनिज्म रखते हैं आइडिया नहीं है देखना पड़ेगा आई एम श्योर मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा ठीक है बट आई आई वेरीफाई इट फॉर यू ठीक है यस सर राइट आई एम श्योर आपको सबको आइडिया आ गया रहेगा क्लियर था समझा आपको कि दिस वाज अच्छा इसका नाम क्या था बोलो वापस थ्रू बोल्ड थ्रू बोल्ड राइट तो दिस वाज योर नथिंग बट योर थ्रू बोल्ड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर this particular bolt is called as क्या बोलते हैं इसको set screw this is called as set screw now set screw को है ना head नहीं होता है दिख रहा है इसके set screw के अंदर भी hole होता है तो ऐसे component जहाँ पे आपको space बहुत कम है और head को fit ये करने के लिए भी आपके पास जगह नहीं है तो ऐसे situations में हम लोग set screw use करते हैं so this was एक second लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे this was your through bolt And this is your set screw. ठीक है set screw का भी installation part में देखते हैं क्योंकि ये this is something I'm sure कि आप लोग ने देखा नहीं रहेगा किसी ने देखा है set screw कभी हाथ में नहीं देखते हैं then ये तो देखा रहेगा ये क्या होता है what is this stud exactly this is stud stud के बारे में कुछ बात करने का जरूरत नहीं है stud has been seen by you people a lot of times right अच्छा ये वाला भी part देखा रहेगा ये क्या है Screw, right? This is your normal tap bolt. ये आपका normal tap bolt है, ठीक है? जो हम लोग बहुत बार use करते हैं. Tap bolt में क्या होता है? आपको सिर्फ hole drill करना रहता है, right? और आपको यहाँ पे nut का जरूरत नहीं पड़ता. You just need to put it inside. So this is nothing but your tap bolt, right? And the next part or the last part is nothing but a cap screw. Now cap screw में ना होता है. इसके जैसा ही रहता है, but इसका cap change होता है. Allen key वाला. एलन की मतलब जहाँ पे स्पेस बहुत छोटा है राइट वो आप जहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर डाल नहीं सकते तो आप लोग क्या करते हो एलन की यूज करते हो तो एलन की यूज करने के लिए स्क्रू के ऊपर एक ऐसा हेड चाहिए जहाँ पे एलन की फिट हो सकता है सो दिस इज कॉल्ड एज कैप स्क्रू समझ में आ रहा है आपको सो दीज आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ स्क्रू इज कॉल्ड एज कैप स्क्रू तो पहला वाला था थ्रू बोल्ट सेकेंड वॉज सेट स्क्रू स्टर्ड टैप बोल्ट एंड कैप स्क्रू तो व्हाट वी विल डू इज सिर्फ एक सेट स्क्रू के बारे में हम लोग एक देख लेते हैं वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख जाता है वाइपर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं यहाँ पे वहां पे दिख रहा है दिखा आपको ये वाला जो पार्ट था दिस पार्ट इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेट स्क्रू लगाया हुआ था वाइपर का हैंडल है ये सेट स्क्रू नहीं है ठीक है उसी पे एक होल क्रिएट कर रहा है सो दैट जैसा उसका सेट स्क्रू का डायमीटर रहता है उसी डायमीटर का वो ड्रिल लेगा और फिर एक होल क्रिएट करता है
फिर वहां पर टैपिंग कर रहा है दिख रहा है दिख रहा है नाउ दिस इज योर सेट स्क्रू देखो अभी इंस्टॉलेशन कैसे कर रहा है छोटा है ना कूक एलन किस वापरावे लागते सेट स्क्रू के ऊपर वाला पार्ट था उसको उसने फिक्स कर लिया नहीं सॉरी इसके कौन सा वाइपर का ऊपर वाला पार्ट राइट आई होप आपको कुछ आइडिया आ गया रहेगा कि स्क्रू क्या ये वाला सेट स्क्रू कैसे यूज करते हैं ठीक है अगर पॉसिबल हो तो आज एक काम करना है छोटा सा टास्क है किसी भी हार्डवेयर स्टोर में जाओ और उसके पास से अलग अलग तरीके का एक एक स्क्रू खरीद के लेके आओ बहुत इट विल हार्डली टेक 10 to 20 rupees बट आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ठीक है करके देखो आज सो देट वॉज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग स्क्रू नाउ What we'll do is we'll try to understand ये जो हम लोग ने अभी जो भी पार्ट किया that was the theory part अभी जो भी हम लोग ने पार्ट किया वो major part theory था बहुत कम part इसमें से exam में आएगा जो questions आपने लिखा है वो exam में आएगा but ये सब theory था वो सिर्फ knowledge point of view से बहुत important था आगे देखते हैं हम लोग की इसके ऊपर अलग अलग load कैसे लगते हैं ठीक है so what are the different static loads that can be applied on the any kind of a fastening screw so there are three types of load ठीक है पहला वाला इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप ऑफ फोर्सेस अभी ये क्या होता है जब भी आप किसी भी नट में स्क्रू को फिट करते हो या फिर किसी भी होल में अगर आप स्क्रू को फिट जॉइंट करने फिट करने का ट्राई कर रहे हो तो आप एक रोटेशन मोशन देते हो और एक आप एक लीनियर मोशन देते हो सही है राइट सो बिकॉज ऑफ दैट अभी तक आपने कुछ लोड अटैच नहीं किया फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दीवार में एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट से एक दीवार में अगर आपने एक होल किया है राइट एंड यू आर प्लेसिंग अ स्क्रू आप ये दीवार में स्क्रू प्लेस करो पर अभी ये स्क्रू प्लेस करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ टांगा नहीं है आपने कोई एक फोटो फ्रेम प्लेस नहीं है फिर कुछ लोड नहीं दिया बट स्टिल देयर विल बी सम स्ट्रेसेस व्हिच विल बी इंड्यूस्ड इन दिस स्क्रू व्हाई बिकॉज आप इसको जब स्क्रू कर रहे थे तभी आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे राइट सो दोस फोर्सेस वर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड एज इनिशियल स्ट्रेसेस राइट एक बार स्क्रू प्लेस होने के बाद इसके ऊपर आप कुछ कंपोनेंट्स रखोगे या कोई लोड अप्लाई करोगे तो दोस थिंग्स विल क्रिएट एन एक्सटर्नल फोर्स और अदर एक्सटर्नल लोड समझ में आ रहा है एंड थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू मतलब आपका इनिशियल स्ट्रेस भी है और एक्सटर्नल लोड भी अप्लाई हो रहा है तो उनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है दैट विल बी योर थर्ड कैटेगरी ठीक है अब इनिशियल स्ट्रेस ज्यादा समझ में नहीं आता है ठीक है विजुअलाइज नहीं होता है So what I'll do is I'll show you one very simple thing जिससे आपको initial stress समझ में आएगा। Now pay attention है everyone। External force मतलब तो screwing force अगर है ना? Not only screwing force तो लाओ तो ठीक है, but stresses कुटले produce होता है। There are different stresses. We'll talk only of few stress or main stresses that are produced. Now here we have a screw and we have a nut. Now screw का threads है ना, वो spring की तरह assume करो, ठीक है? Move नहीं होता है screw का thread, but assume करो यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है तो हम लोग जब भी ज्वाइंट करते हैं तो दो चीज करते हैं या तो आपका बोल्ट स्टेशनरी रहेगा और नट रोटेट हो रहा है या तो आपका नट रोटेट हो रहा है अपना नट स्टेशनरी और बोल्ट रोटेट हो रहा है सही है राइट तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है नाउ जब ये रोटेट हो रहा है व्हेन द नट इज रोटेटिंग कैन आई से इट इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग्स
right? Springs का मतलब कहने से threads बताया था मैंने, it can be similar to that of threads, right? अगर ये compressive force apply कर रहा है, तो threads कौन सा force apply करेगा? Nut के ऊपर, या फिर reaction force कौन से कैसा रहेगा? Tensile. तो कहने से आपके ऊपर ये tensile stresses produce हो जाएगा किसके ऊपर? On the threads. तो भी आपका threads रहेगा या तो आपका bolt रहेगा उसके ऊपर tensile stresses create हो जाएगा. अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्या कि हम लोग ने उसके ऊपर कुछ लोड डाला कि कोई चीज अटैच की है नहीं. जब भी हम लोग से फिट कर रहे तब ये स्ट्रेसेस आता जाएगा. इन द सिमिलर मैनर ये गोल घूम के अंदर जा रहा है, गोल घूम के अंदर जा रहा है तो इसके ऊपर टॉर्शनल स्ट्रेस भी क्रिएट होगा, राइट. देन अगेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन नट एंड बोल्ट. तो जब भी रिलेटिव मोशन रहता है तो क्रशिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा. तो ऐसा ये जो भी स्ट्रेसेस है वो सब आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल स्ट्रेसेस. समझ में आ रहा है? All these stresses which are produced just because of the installation of the screw and nut, those are called as initial stresses. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो external stresses क्या होता है? Suppose ये example देखो bridge. ये bridge को join करने के लिए बहुत सारा bolts या फिर fasteners use किया रहेगा. Now ये जो bolts अगर suppose कोई bolt यहाँ पे है ये point पे, तो उसके ऊपर metal का बहुत सारा load आते रहेगा, right? So that is nothing but an external load. And then इन दोनों लोड का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे then it is called as a stress due to combination of stresses one and two, that is combined force, combined stresses. Simple? Yes sir. ये समझा आपको ये क्या होता है, ये क्या होता है? Okay, so we'll move ahead. Yes sir. Now stress due to external force. अभी देखो आपके सिलेबस में है ना ये जो पार्ट है इनिशियल स्ट्रेस का, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है सिंपल, वो आपको याद रखना है. डब्ल्यू आई इज इक्वल टू, चलो अभी नहीं बताते बाद में करते, WI is equal to 2840 into WI, W1, ऐसा फॉर्मूला होता है. जब इस न्यूमेरिकल करेंगे तभी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है. बट आपको इनिशियल स्ट्रेसेस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस और कंबाइंड स्ट्रेसेस के बारे में ज्यादा पूछा है. तो स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड के बारे में बात करते हैं. चलो हम लोग एक सीलिंग कंसिडर करते हैं. लेट्स कंसिडर अ सीलिंग. ऑन दिस सीलिंग वी आर प्लेसिंग अ बोल्ट. एक बोल्ट लगा दिया मैंने, ठीक है. एक सीलिंग है, सीलिंग का मतलब सीलिंग ऊपर का पार्ट फिक्स्ड रहेगा, सही है. सो दिस पार्ट विल बी फिक्स्ड, ये वाला फिक्स्ड है, ये मूव नहीं होने वाला है, राइट. सीलिंग का पार्ट है और हम लोग ने बोल्ट कनेक्ट किया है, राइट. नाउ ऑन दिस बोल्ट वी आर प्लेसिंग अ लोड. उस तो एक लोड है, ऐसा सपोज कि ये टेबल, ये फैन है, सीलिंग फैन रहता है ना, तो ये सीलिंग फैन है सपोज, तो सीलिंग फैन भी एक लोड की तरह काम करेगा, सही है. अगर इस बोल्ट के एक्सेस के बारे में बात करें, राइट, और ये जो लोड एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन के बारे में बात करें, राइट, तो कहने से दोनों का डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट. तो ऐसा सिचुएशन जहां पे एक्सिस ऑफ बोल्ट एंड द अप्लाइड लोड आर पैरेलल टू ईच अदर, वहां पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है. ये समझ में आ रहा है आपको, राइट. सो व्हेन बोल्ट स्टड्स और स्क्रू कैरी अ लोड इन अ डायरेक्शन ऑफ बोल्ट एक्सिस, बोल्ट का एक्सिस के ही डायरेक्शन में अगर लोड कैरी हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बोल्ट्स. ये समझा? यस सर. क्लियर है? यस सर. ठीक है. नाउ चलो इसके बारे में बात करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला आपको पता है सबको? स्ट्रेस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? W upon A. तो W को सेम रहने वाला है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. A में सिर्फ डायमीटर चेंज होता है. तो यहाँ पे है ना, जो भी डायमीटर रहता है यहाँ पे हम लोग डायमीटर DC कंसीडर करते हैं, दैट इज कोर डायमीटर. हम लोग डायमीटर कौन सा कंसीडर करेंगे इसका? DC. तो फॉर्मूला विल अगेन बिकम सिग्मा T इज इक्वल टू W अपॉन पाई बाय 4 DC का स्क्वायर. सिंपल. सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर योर what we say, tensile stress on bolts. Simple. Now, there are some few things that we need to understand. Relation. Now, normally, you have books mein DC ka value nahi diya rehta hai. Question mein. Siddhan, kya kar raha hai? Main kuch nahi kar raha. Okay, theek hai. Pay attention. Now, when we talk about note, I mean, isme aapko ye baat karna hai ki na DC ka jo value hai, वो कोर डायमीटर है. बट नॉर्मली आपको कोर डायमीटर नहीं पता रहता है, आपको नॉमिनल डायमीटर पता रहता है या फिर आउटर डायमीटर पता रहता है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कोर डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर, वो आपको याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कोर डायमीटर वैल्यू कैन बी फाउंड इन द स्टैंडर्ड टेबल. स्टैंडर्ड टेबल आपको नहीं दिया रहता है,
ठीक है, जब आप डिग्री में जाओगे तभी डिजाइन डेटा बुक में से ये वैल्यू निकाल सकते हो, बट फिलहाल आपके पास ये फॉर्मूला ये टेबल नहीं रहता है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ईसी. ये आप लोगों को क्या करना है पता है, ये सबसे पहले ये लिखो टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, उसका ये डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला, और फिर बाद में ये रिलेशन लिखना है, डीसी इज इक्वल टू 0.84 टाइम्स ऑफ डीओ. सो आपका जो कोर डायमीटर है डिपेंड्स अपॉन द नॉमिनल डायमीटर, ठीक है. इतना पार्ट कंप्लीट कर लो फटाफट, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स करना चालू करेंगे. यस सर. अरे सर कोर डायमीटर ही क्यों लिया उसमें, कोर डायमीटर ब्रेकेज आएगा ना, पॉइंट फेल आएगा ना. अच्छा, अरे समझा क्या तुमने? हां समझा. पक्का ना कि ऐसे हां बोल रहे हैं? नहीं समझा. ठीक है, ये इतना पार्ट कर लो, ये तीन चीज लिख लो, तीन चार चीज, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला रिलेशन. एक घंटा हो गया. डीओ नॉमिनल डायमीटर है ना? हाँ, डीओ इज नॉमिनल डायमीटर या फिर आउटर डायमीटर भी बोलते हैं. सर आपने वो डीसी और डीओ का जो दिया है रिलेशन, हाँ क्या हुआ उसका? वो सब थ्रेड्स के लिए सर, सब थ्रेड्स के लिए. This is a general formula which we are using. Yes, sir. Hua likhe? Haan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, theek hai. हाँ सर. चलो we'll move ahead and we'll do a simple sum based on. अच्छा पहले ये समझ लेते कि और बाकी का कौन सा है. Now here we can see there are two. अभी tensile stress के बारे में बात किया, right? And we are talking about stresses due to external load. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, there are two plates and there is a relative motion between the two. ये जो दो plate है इनके बीच में relative motion हो रहा है. तो जब भी ऐसा relative motion हो रहा है और अगर आपको ये motion restrict करने के लिए या फिर करने के लिए अगर आप कोई स्क्रू ज्वाइंट यूज कर रहे हो, तो वो स्क्रू ज्वाइंट में जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे. ठीक है. सो व्हेन बोल्ट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट, ओके, नाउ एज वी कैन सी ओवर हियर, दीस टू प्लेट्स आर इन रिलेटिव मोशन विद ईच अदर. यस सर. राइट. अगर आपको इनका रिलेटिव मोशन प्रिवेंट करना है तो इनके बीच में से होल करके आपको एक स्क्रू ज्वाइंट डालना पड़ेगा, तो इनका रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा. सही है? रिलेटिव मोशन बंद हो गया बट फोर्स तो अभी भी अप्लाई होगा ना. समझ में आ रहा है? बट वो मूव नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज स्क्रू अंदर हम लोग ने डाला हुआ है. तो ऐसे केस में जो स्क्रू हम लोग ने डाला हुआ है उसके ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, दोज विल बी शियर स्ट्रेस. ठीक है. वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं. तो ऐसे बात किया डेफिनेशन, दैट इज व्हेन द बोल्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिलेटिव मोशन, राइट, व्हाट विल प्रोड्यूस इज शियर स्ट्रेस ऑन द थ्रेड्स. ठीक है. अच्छा, इसमें और एक चीज देखते हैं कि शियर स्ट्रेस है ना, हम लोग इस तरीके से बोल्ट्स को प्लेस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट, ज्यादा से ज्यादा शियर्स का लोड आपके शैंक के ऊपर आना चाहिए. शैंक समझ में आता है आपको क्या है? ठीक है. सपोज अगर ये मेरा सिलेंडर है, राइट, सिलेंडर को ऊपर जब मैं थ्रेड क्रिएट करना चालू करता हूँ, इफ आई एम क्रिएटिंग थ्रेड, तो ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज माई शैंक, राइट. शैंक आपका कौन सा डायमीटर रहेगा? आप लोग यहाँ पे जो भी शियर स्ट्रेस के लिए डायमीटर कंसिडर करोगे, दैट हैज टू बी डीओ, नॉट डीसी. टेंसाइल के लिए डीसी, शियर स्ट्रेस के लिए डीओ, याद रखना. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ देन व्हाट वी कैन से इज, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बोला कि वी आर गोइंग टू यूज डीओ टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस का भी नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है, डब्ल्यू अपॉन ए. सिर्फ ए में डीसी के बदले क्या आ जाएगा?
डी ओ आ जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो ये चीज जो है ना यहाँ पे, अगर मैंने ये पॉइंट से ये साइड व्यू से देखा, अगर इफ वी आर लुकिंग इट फ्रॉम दिस साइड, एक सेकेंड, इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड राइट, देन कहने से आपको ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा, और बोल्ट अगर डाला रहेगा तो राइट right? तो बोल्ट का एक्सिस देखो कैसा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ बोल्ट एंड द लोड दैट इज गोइंग टू अप्लाई इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में आपको लोड अप्लाई होगा। व्हाई? बिकॉज़ ये ऊपर नीचे हो रहा था, तो फोर्स ऊपर से आ रहा था फिर नीचे से आ रहा था, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स का दैट इज वर्टिकल। सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी कैन से शियर स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड इन बोल्ट। ये समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, अगर ये दोनों पैरेलल होता तो टेंसाइल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर है तो शियर स्ट्रेस। सिंपल राइट, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट आई वाज डिस्कसिंग, दैट इज शियर लोड अपॉन पाई बाय 4 डी ओ द होल स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट व्हाट आई वांट यू टू डू इज ये नाम लिखो शियर स्ट्रेस, ठीक है, फिर बाद में ये वाला पार्ट लिखना है और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। ठीक है? यस सर। यस यस, एंड जस्ट मेक इट क्विक क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल करना है आज। हाँ, हो गया सर। हो गया सर। सिर्फ ऊपर का डेफिनेशन है, पॉइंट नहीं लिखना है ना वो दोनों? पॉइंट भी लिखना है? मत लिखो, वो दैट वाज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन का पार्ट, वो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है? डन। यस सर। वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डू सम सम्स बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार, तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। ठीक है, तो जस्ट लेट मी इरेज दिस थिंग। ये टाइटल लिख लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप वन डिजाइन ऑफ बोल्ट्स इफ बोल्ट्स आर नॉट इनिशियली स्ट्रेस। तो मैंने जैसे आपको बोला, आपको इनिशियली स्ट्रेसेस के ऊपर बहुत कम सम्स है और उसका थ्योरी भी ज्यादा पढ़ना नहीं है। चलो पहले सम के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट सम। सो इट सेज डिटरमाइन सेफ टेंसाइल लोड फॉर बोल्ट्स ऑफ M20 एंड M36। Assume the bolts are not initially stressed and take safe tensile stress as 200 megapascal. ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना, अभी मत लिखना, बाद में लिखते हैं। पहले जस्ट मैं एक सम करता हूँ, मैं M20 का पार्ट करता हूँ, आप M36 का पार्ट करना। ठीक है? ओके, नाउ तो लेट मी जस्ट, तो चले पहले डायमीटर इसके बारे में बात करते हैं। गिवन डेटा में M20 दिया है, ये जो 20 रहता है मेट्रिक साइज ऑफ बोल्ट 20, तो ये mm में रहता है। ठीक है, तो आपको ये जो भी रहेगा आपको नॉमिनल डायमीटर का वैल्यू दिया है, तो नॉमिनल डायमीटर कितना दिया है 20 mm। और इसके लिए कितना दिया है वो बाद में करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। और फिर बाद में दिया है सेफ टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 200 मेगापास्कल, मतलब सिग्मा टी का वैल्यू भी दिया है आपको। सिग्मा टी कितना दिया है 200 मेगापास्कल। मेगापास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते डायरेक्टली, सो 200 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया राइट? व्हाट वी नीड टू फाइंड ओवर हियर इज डिटरमाइन द सेफ टेंसाइल स्ट्रेस। ये समझ में आ रहा है? हां सर। अभी अच्छा, सेफ टेंसाइल स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे? सेफ टेंसाइल स्ट्रेस आई मीन सेफ टेंसाइल लोड फाइंड आउट करना है। लोड मतलब हम लोग को w के बारे में पूछा है उन लोग ने, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सिग्मा टी इज नथिंग बट w अपॉन a। आई गेस फार्मूला इज ऑलरेडी देयर। यस, फार्मूला लिख के रखा था मैंने। सो this was the simple formula, right? Let me just erase few parts. Okay.
तो फॉर्मूला है हम लोग के पास, राइट, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 200 इज इक्वल टू w अपॉन पाई बाय 4 इनटू dc, dc का वैल्यू तो पता नहीं हम लोग के पास, राइट, तो पहले dc का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, कर सकते हैं क्या डायरेक्टली फाइंड dc का वैल्यू, राइट, हैव अ रिलेशन dc इज इक्वल टू 0.84 टाइम्स ऑफ do, राइट, सो do का वैल्यू है मेरे पास, सो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dc, तो फिर वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो यहां पे मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, into M36 again is a bolt. जो भी आप bolt select करते हो ना तो उसका diameter, nominal diameter तेसा वेगड़ा काढ़ायचं मी 20 साठी काढतो, तुम्ही 36 साठी काढायचं, ठीक है, ओके ओके सर, तो यू कैन स्टार्ट विद द सम और लास्ट में आपको लोड का वैल्यू मिलेगा कुछ तो, ठीक है, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे को क्या चाहिए, आप ये सब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लखो, M36 का कैलकुलेशंस करके मेरे को लोड बताओ, चैट बॉक्स में सिर्फ लोड का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, ओके सर, अभी 20 का निकालना है 36 का निकालना है, मैंने 20 का निकाला है, ये जो भी कैलकुलेशन किया 20 के लिए किया है, आपको 36 के लिए करना है, ओके हो गया सब लोग का? हाँ सर। नहीं सर। ओके। लेट मी जस्ट चेक द आंसर। ओके ये कौन था? सिद्धांत का आंसर राइट आ रहा है, ठीक है? राइट है। सिद्धांत का आंसर राइट है। एनीवन एल्स? अच्छा आदित्य को भी सेम आ रहा है, रोशन को भी सेम आ रहा है, पॉल गलत आया, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ पॉल? सर वही इसमें गलत है, 0.2784 आया, 200 डिवाइड बाय वो किया था, हाँ मल्टीप्लाई किया, अरे 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 हाँ हाँ, कोई तो चाय पिलाओ पॉल सर, नहीं सर, ये कर जल्दी कर, न्यूटन में तो we can make it kilo newton, we can keep it newton, chalega wo kuch matter nahi, ye ye kya bol raha hai tu, 0.2 nahi aayega yahan pe, roshan bak I guess thoda sa difference hai, sir aaya 143.642, right 143.642 kilo newton, sir 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 the typing mistake hai, 42.66 hai, I'll write general answer, that is 143.642 kilonewton. So this was the answer for everyone, right? Yes, sir. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. Next sum के ये हो गया ना लिख के आपका. This was your first attempt. इसके ऊपर आपको sum कभी नहीं आएगा exam में. क्योंकि बहुत ज़्यादा simple है. चार मार्क के लिए गलती से आया तो आएगा. But I don't think so. ठीक है we'll move on to this sum. अभी ये sum भी type one का sum है. बट ये सम आ सकता है, आने का चांसेस है, अच्छा खासा सम है, ठीक है,
I want all of you to read this particular sum and write the data. आपको जो डेटा समझ में आता है ना वो डेटा लिख लो से ठीक है मैं भी लिखूंगा डेटा बट आई वांट यू पीपल आल्सो टू राइट द डेटा फिर वेरीफाई करते हैं ठीक है चलो मैं भी साइमल्टेनियसली लिखता हूँ आप भी लिख दो यहाँ पे सिलेंडर दिया है चलो ठीक है एम ट्वेंटी मतलब मेरे को किसका वैल्यू दिया है डीओ डीओ ओके एम ट्वेंटी मतलब मेरे को डीओ का वैल्यू दिया है सेकंड आई जस्ट राइट इट आप भी लिख लो तो डीओ दिया सिलेंडर का अगर सपोज ये मैंने बड़ा वाला सिलेंडर ऐसा बनाया ठीक है बड़ा वाला सिलेंडर है और ये बड़ा वाला सिलेंडर का ये सिलेंडर है उसका टॉप व्यू मैंने बताया यहाँ पे आपको ठीक है और इसको फिट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा बोल्ट्स यूज किया है समझ में आ रहा है तो ये जो डायमीटर है इसका इफेक्टिव डायमीटर वो हम लोग को कितना दिया है 350 mm ठीक है तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अगेन आप लोग लिख रहे हो ना डेटा खुद से सर डीओ मिला मेरे को 20 mm चलो ग्रेट राइट देन वी आल्सो गॉट कैपिटल डी व्हिच इज 350 mm राइट कितना ये 350 mm है राइट फिर बाद में आगे आपको प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो प्रेशर इज नथिंग बट स्मॉल पी या पी is equal to 0.75 newton per mm square. चलो ये मिल गया. If the bolts are not initially stressed, तो initially stressed नहीं है bolts. हम लोगों को पता है वो sums कैसे करना है. Find the number of bolts required. Number of bolts मतलब आपको n find करना है. आपको small n find करना है. Take working stress for the bolt material 220 newton per mm square. Right? अच्छा working stress क्या है यहाँ पे? कितना दिया आपको 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इतना क्लियर है यस सर ठीक है नाउ देखो सिग्मा टी दिया है तो सिग्मा टी के लिए सबसे पहला जो भी कैलकुलेशन रहता है उसमें आप लोग को डीओ का वैल्यू कुछ काम का नहीं आपको कौन सा वैल्यू चाहिए डीसी का वैल्यू चाहिए राइट तो सबसे पहले डीसी का वैल्यू कैलकुलेट करके रखो कितना आ रहा है डीसी इक्वल टू हाउ मच फॉर्मूला लिखो डीसी का इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय डीओ और डीसी का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सर 16.8 mm गुड 16.8 mm आ रहा है राइट नाउ अभी देखो ये जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है राइट इसमें आपको ये वाला एक इंफॉर्मेशन यूज कर लिया अभी ये वाला बचा है सिग्मा टी बचा है प्रेशर बचा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ अभी सोच के देखते हैं कि सपोज अगर ये मेरा सिलेंडर है सिलेंडर का हेड है और यहां से प्रेशर आ रहा है राइट दिस इज द प्रेशर ये वाला प्रेशर है और ये इसके ऊपर है राइट समझ में आ रहा है फोर्स मिलेगा फोर्स तो इसमें आपको फोर्स मिलेगा फोर्स इज नथिंग बट योर लोड तो टोटल लोड कितना एक्ट होने वाला है सारे बोल्ट्स के ऊपर उसका वैल्यू मिल जाएगा ये समझ में आ रहा है आपको राइट तो व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर इज आई जस्ट राइट इट ओवर हियर ठीक है आप लोग यहां पे क्या लिखोगे टोटल लोड acting on bolts ठीक है पूरे bolts के ऊपर total कितना load act हो रहा है उसके बारे में हम लोग mention कर सकते हैं तो उसको हम लोग W end से represent करते हैं right so W end कितना आएगा ये formula के ऊपर से बता सकते हैं ना we know pressure is nothing but load upon area right so W end should be nothing but pressure into area right प्रेशर का वैल्यू पता है आपको प्रेशर कितना दिया आपको 0.75 राइट एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 सिंस इट्स अ सर्कल सिलेंडर है ना तो उसका टॉप सर्कल होगा इनटू टी स्क्वायर तो आपको इसमें से डब्ल्यू एन मिल जाएगा तो डब्ल्यू एन क्या है इसके ऊपर जितना भी बोल्ट्स है 1 2 3 4 5 जितना भी है एक्स हम लोग को पता नहीं वो सबके ऊपर टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है डब्ल्यू एन ये समझो आप लोग को तो अभी आप डब्ल्यू एन का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सर 72.15 किलो न्यूटन इतना आता है क्या हाँ 72.158 किलो न्यूटन ठीक है ये तो पूरे लोड के ऊपर है ना सारे बोल्ट्स के ऊपर है तो एक लोड एक एक बोल्ट के ऊपर कितना लोड आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय सर डिवाइड बाय लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ओके डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स वो लग कर लेते हैं तो नेक्स्ट लिखना
load on each bolt, load on each bolt will be W, that is equal to WN upon N. ये समझा आपको? Yes sir. Right? हाँ sir. अभी देखो पूरे इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बचा है सिग्मा टी, वो यूज नहीं किया है, सही है? तो वो वाला पार्ट यूज करते हैं, तो क्या आएगा? सिग्मा टी इज नथिंग बट डब्ल्यू अपॉन पाई बाय फोर इनटू क्या आएगा? डीओ की डीसी, डीसी डीओ स्क्वायर. क्या कौन था वो डीओ वाला? डीसी आदित्य. हां सॉरी सॉरी आदित्य. क्या हुआ, चाय पिलाओ इसको भी. नाउ सिग्मा टी का वैल्यू देखो, सिग्मा टी का वैल्यू पता है आपको, W का वैल्यू में आएगा WN upon N, right? जिसमें से ये पता है, DC का वैल्यू भी पता है. तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज, आप सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके बताओ. तो WN upon N, right? Pi by 4 into DC square. देखो मेरे को सिग्मा टी का वैल्यू पता है, राइट? हाईलाइट कर देता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है? So, मेरे को इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी पता है, ये तो कॉन्स्टेंट है, और इसका वैल्यू भी पता है, तो सिर्फ एन ढूंढना है. समझ में आ रहा है? तो आपको जो फाइनल पार्ट था, दैट इज नंबर ऑफ बोल्ट, फाइंड दी फाइंड नंबर ऑफ बोल्ट, वो वाला पार्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है एन का वैल्यू, अल्टीमेटली एन का वैल्यू कितना आ रहा है? W N by W रहेगा ना ऊपर. हाँ W N, W का क्या क्या समझा नहीं, क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं सर. 16.27 आ रहा है N का वैल्यू. 17 बोल्ट. 16.27. हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले आंसर, ठीक है? बाद में डिस्कस करते हैं. आंसर कितना आ रहा है सबको? 16.27. ओके यहाँ पे लिख देता हूँ, 16.27 आ रहा है. चलो ग्रेट, राइट? ये आ रहा है सबको? हाँ सर. नाउ ये आंसर सबको मिल गया, राइट? नाउ सोच के देखो, नंबर ऑफ बोल्ट्स है, बोल्ट्स कभी डेसिमल में आएगा क्या? नहीं, तो 16 पकड़ेगा ना सर, पड़ेगा, राइट? अच्छा स्क्वायर ऑफ करेगा तो हम लोग 17 ले सकते हैं या 18 ले सकते हैं, कौन सा नंबर लेना चाहिए? 17. अच्छा 17, व्हाई 17 एंड व्हाई नॉट 18? सर लीस्ट वैल्यू लेते हैं, लीस्ट वैल्यू लेते हैं, बट अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यू आर राइट, लीस्ट वैल्यू लेते हैं. अगर ये सर्कल है और मैं इसके ऊपर बोल्ट कर रहा हूँ, राइट? 18, 18, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसलिए हम लोग कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं यहाँ पे. समझ में आ रहा है? तो इवन नंबर होना चाहिए, आंसर आ जाएगा 18 बोल्ट. समझा? तो फाइनल आंसर लिख लेना आपको 18 बोल्ट. क्लियर है? हो गया सब्जेक्ट आपको, न्यूमेरिकल आया ये वाला पार्ट? हां सर. आशा टाइप से अजून एक घेऊ ना, अजून एक घ्यायचं आहे. ओके ठीक आहे, आशा टाइप. टाइम ज्यादा लगेगा फिर, चलेगा ना तुम लोग को? हाँ सर चलेगा, बाद में बोलो मत कितना टाइम जा रहा है. और एक सम लेते हैं इसके ऊपर. आई जस्ट टाइप द क्वेश्चन सर, नाहीतर तुम्ही वैल्यू चेंज करा फक्त. यस समझे, यहाँ से हमसे वैल्यू चेंज करू का? ठीक है, वैल्यू वैल्यूज में ये ले लेते हैं हम लोग, इसको 36 ले लो बस, और फिर प्रेशर को हम लोग 0.8 लेते हैं, इसको 25 कर देते हैं, ठीक है, राइट? इफेक्टिव डायमीटर 400 कर लेते हैं, ठीक है, राइट? देखो और देखो अभी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना खुद से, एक बार टाइम भी चेक कर लेना कितना टाइम लग रहा है करके, सो इट विल हेल्प यू लेटर ऑन, ठीक है? चलो चालू करो फटाफट, और होने के बाद आपका हैंड रेस कर देना, सो दैट आई विल कम टू नो, ठीक है? यस सर. चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ सब लोग को, सिर्फ हैंड रेस करके मेरे को पता चलेगा फिर, ठीक है? चलो
सिद्धांत आंसर जो भी मिला चैट में बता दे जरा। सिक्स ओके ओके तो हो गया आई गेस। रोशन को भी आ गया आंसर। शुरू करो ना। और कौन बाकी? आई गेस प्रणव बाकी है राइट। हां सर तो मैं पिक्सी है। अच्छा मेरे को जिन लोगों को आंसर आया है मेरे को एक बार बताओ कि आपको इतना तो पता है कि प्रीवियस आंसर से अब नंबर ऑफ बोल्ट्स लेस आ रहा है राइट। पहले अभी आपको सिर्फ 6 बोल्ट चाहिए ऐसा आंसर आ रहा है आपको व्हिच इज राइट। नाउ वाज देयर एनी वे थ्रू व्हिच आपको डायरेक्टली पता चलता कि इस बार हम लोग को नंबर ऑफ बोल्ट्स कम लगने वाला है? सर डायमीटर देख के। डायमीटर बड़ा हो गया ना सर। डायमीटर जगह ज्यादा ले गया और ये भी सिर्फ 400 एमएम से बड़ा हुआ है राइट। सो ऑल्दो आपका स्ट्रेस बड़ा है प्रेशर बड़ा है बट आपका बोल्ट का डायमीटर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड आर लेस। समझे? लेस। तो ऐसा सोचना चालू करना क्योंकि नो ये मेथड दिस थिंकिंग मेथड विल हेल्प यू इन रियल लाइफ कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको क्या बढ़ाना चाहिए करें तभी आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है हो गया मिल गया सबको आंसर मिल गया। हां सर 6 ओके चलो ग्रेट द आंसर इज 6 राइट एंड विल मूव फॉरवर्ड नाउ। सिद्धांत सिद्धांत को तो पहले ही मिला था। ठीक है नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ये वाला पार्ट आपको समझना चाहिए। ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले पता है? Now we are trying to understand. एक सेकंड, let me just remove this part. Now in this situation, now we are trying to understand. We are trying to understand stresses due to combined load. पहले हम लोग ने क्या किया? Stresses due to external load बात किया. Stresses due to initial stress के बारे में क्या बात होता है वो उसके बारे में बात किया. Now we'll directly learn about the combined load. Combined effect क्या होता है? ठीक है नाउ इसमें दो चीज होता है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट दिख रहा है शेडेड पार्ट दैट इज नथिंग बट द बॉटम पार्ट जिसमें आपको फिट करना है स्क्रू राइट। ये ऊपर वाला पार्ट है और उनके बीच में गैस्केट लगा हुआ है। नाउ गैस्केट कभी हम लोग यूज करते हैं जब भी किसी एक पार्ट में बहुत लीकेज प्रूफ चाहिए आपको। ठीक है तो अगर लीकेज प्रूफ चाहिए तो हम लोग गैस्केट्स यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है गैस्केट्स भी अलग अलग मटेरियल का आता है। कुछ कॉपर का रहता है कुछ रबर का रहेगा right this gasket this can be of copper this can be of let's say rubber right alag alag material ka rehta hai to depending upon different materials isme kuch chota mota changes hote hain
उसके बारे में बात करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो आपका बोल्ट यील्ड होता है या तो आपका मटेरियल गैस्केट का मटेरियल यील्ड होता है. गैस्केट का नहीं सॉरी, ये जो फास्टनिंग कर जिसके ऊपर करने वाले उसका मटेरियल यील्ड होता है. अभी यील्ड का मतलब क्या होता है, आइडिया है किसी को यहाँ पे यील्ड क्या होता है? यील्ड यानी जब भी हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो दीज मटेरियल विल गेट इलॉन्गेट. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, नाउ फोकस ऑन स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्स. में नाउ when the connected members are very yielding as compared with the bolt, matlab ye jo connected members tha, these were my connected members right. now these are if more yielding than that of the bolt, to kya hoga uske bare mein baat ki hai. theek hai, so when the connected members are very yielding as compared to the bolts which is soft gasket, then the resultant load on the bolt is approximately equal to the sum of initial tension and the external load. मतलब क्या बोला है उन लोगों ने कि सर अगर let me just draw those things over here. ये आपका gasket का part है, ये ऊपर वाला part है और ये नीचे वाला part है और इसमें से हम लोग ने एक bolt place किया हुआ है. ठीक है, now they are telling you when the connected members matlab inke bare mein baat kar rahe hain are very yielding, matlab jab hi hum log load apply karenge to this will move, this will elongate much faster, ye elongate hoga much faster, samajh mein aa raha hai, than that of the bolt which is soft, then the resultant load on the bolt is approximately equal to iske upar jo load aa raha hai, bolt ke upar jo load aa raha hai, that will be resulting or that will be equal to two factors, that is first one is initial load. इनिशियल लोड क्या होता है, डब्ल्यू आई राइट. एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड. सो इनिशियल लोड होता है डब्ल्यू आई राइट प्लस एक्सटर्नल लोड. एक्सटर्नल लोड हम लोग का रहता है नॉर्मल डब्ल्यू. सो आपके ऊपर बोल्ट के ऊपर दो लोड एक्ट होगा डब्ल्यू एन, दैट इज डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू. कभी जब ये गैस्केट प्लेस किया रहेगा एंड बोथ द मटेरियल्स आर मोर इलॉन्गेटिंग देन दैट ऑफ द लोड. ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. अच्छा ये है ना थोड़ा विजुअलाइजेशन में डिफिकल्ट होता है, ये समझने का ट्राई करते हैं. ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा जूम, ये पिछले स्लाइड में जाते हैं ये वाले पर. हाँ यहाँ पे देखो. ठीक है, यील्डिंग का मतलब इतना तो बताया कि सर जो मटेरियल है वो ज्यादा इलॉन्गेट होगा, ये समझा सबको? एवरीवन राइट. अच्छा अभी सोच के देखो कि अगर ये इलॉन्गेट हो रहा है राइट मतलब ये फटाफट मूव हो रहा है, मतलब कहने से जब ये इलॉन्गेट होगा तो ये किसको एक्सटेंशन करेगा, किसको खींचने के लिए ट्राई करेगा? बोल्ट को खींचेगा ना. तो बोल्ट को खींचना मतलब कहने से बोल्ट के ऊपर लोड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. लोड मतलब W का वैल्यू बात नहीं कर रहे, बट द स्ट्रेस विल इंक्रीज ऑन द बोल्ट. ये समझे आपको? यस सर. ठीक है, अभी उल्टा सोच के देखो, अगर बोल्ट इलॉन्गेट हो रहा है और ये आपका मटेरियल ज्यादा इलॉन्गेट नहीं हो रहा है, देन बोल्ट के ऊपर ज्यादा लोड अप्लाई होगा कि कम लोड अप्लाई होगा? ज्यादा. कैसे? नहीं इलॉन्गेट हो रहा है. वापस एक बार बात करते हैं. मेरे को पता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना डिफिकल्ट है. हम लोग क्या बात कर रहे हैं पता है यहाँ पे? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इफ दिस मटेरियल कैन इलॉन्गेट, अगर ये मटेरियल इलॉन्गेट हो सकता है मतलब ये यील्ड कर सकता है. ठीक है, तो जब ये इलॉन्गेट होगा तो ये आपके बोल्ट के ऊपर भी फोर्सेस अप्लाई करेगा, खींचने के लिए ट्राई करेगा ना, इनको हम लोग ने ज्वाइन किया है, वो टाइम पे इसके ऊपर का लोड इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका ऊपर का लोड क्या रहेगा, पहले जो हम लोग ने बोल्ट डाला था उसका इनिशियल स्ट्रेस तो रहेगा प्लस जो अभी इंक्रीज हो रहा है लोड वो रहेगा. ये समझा आपको? यस राइट. बट सपोज अगर ये ज्यादा इलॉन्गेट नहीं हो और आपका बोल्ट ही खुद से इलॉन्गेट हो रहा है, खुद से ज्यादा इलॉन्गेट हो रहा है, तो उसको सिर्फ बोल्ट इसके ऊपर जो लोड एक्ट करा ना एक्सटर्नल, कहने से सिर्फ वजह से एक्सटेंड होगा इनिशियल स्ट्रेस राइट. तो इनिशियल स्ट्रेस तो बहुत छोटा रहता है, it will be majorly acting only because of the external load.
तो इन दैट केस आपको आपका जो अगर सिर्फ बोल्ट इलॉन्गेट हो रहा है तो इसके ऊपर लोड कम एक्ट होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? सो सर एक एक डाउट है सर. हाँ बोलना सर. वो इलॉन्गेट साइड में देता है कि नीचे होता है? क्या बात कर रहे हैं? इलॉन्गेट वो इलॉन्गेट साइड वेज की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है? डिपेंड्स कि लोड कौन सी डायरेक्शन में ऐड हो रहा है. अगर आपका लोड शियर में है तो शियर के फॉर्म में इलॉन्गेट होगा, टेंजाइल तो टेंजाइल के फॉर्म में इलॉन्गेट होगा. बट मोस्टली टेंजाइल के बारे में बात करते हैं हम लोग, नीचे के फॉर्म में, नीचे के डायरेक्शन में. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग. बट इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग एज कंपेयर्ड विद द कनेक्टेड मेंबर्स, द रिजल्टेंट वोल्ट विल बी आइदर इनिशियल टेंशन और द एक्सटर्नल लोड, व्हिचएवर इज ग्रेटर. समझ में आ रहा है? तो अगर बोल्ट ही खुद यील्ड हो रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ दो ही स्ट्रेस होगा, या तो डब्ल्यू आई या तो डब्ल्यू, दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो अप्लाई करेंगे. ये समझा आपको? ठीक है. तो इनका कंबाइंड फोर्स लेने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं. एक सेकेंड ना. So, इनका एक सो वॉट वी डू इज टू गेट अ कंबाइंड आइडिया. वॉट वी डू इज वी इसका आवाज आ रहा है. अच्छा एनीवे विल स्टार्ट. So we have a combined formula that is W is equal to W1 plus A upon A plus 1 into W2, where W1 is your initial load, W2 is your external load, and W will be your total load. यहाँ पे जो A upon A plus 1 है उसको combine करके हम लोग और एक form में लिख सकते हैं, that is this. तो A upon A plus 1 को मैंने सिर्फ K ले लिया. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब. दिखाई दे रहा है सब कुछ ठीक से? हाँ सर. नाउ ये ए, व्हाट इज योर ए? ए इज नथिंग बट इलास्टिसिटी रेशियो ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टिंग मेंबर्स, उनके बीच में का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ बोल्ट, दैट इज नथिंग बट योर ए. समझ में आ रहा है? लिख के रखा हूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. What is your A? A is equal to elasticity. Elasticity of connected parts to the elasticity of bolts. So this is the formula for A. Elasticity of connected parts to the elasticity of bolt. Generally आपको K का value table में से मिल जाएगा. एक table रहेगी, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे. वो वाले वैल्यू आपको टेबल में से मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड के इज नथिंग बट कांस्टेंट. सर वो अभी पीछे वाले डायग्राम में कनेक्टेड पार्ट गैस्केट है ना? हाँ, कनेक्टेड पार्ट गैस्केट है. गैस्केट फिर बाद में वो जो दोनों हम लोग ने मेंबर्स किया वो भी सफर नहीं करा ना. कुछ हा पार्ट कुठला सर? दोन्ही आहे. डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू इन प्लस करायचं पण तो के तो ओके ओके. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आय विल डू इट. नाउ फोकस ऑन दिस स्लाइड. ठीक आहे, अभी रोशन हे नाही कळलं ना तुला? सर ते हे कळलं कुठला यील्ड होईल ते मला कळलं. ओके मग सर ते झालं आणि का ते नाही कळलं? अच्छा फॉर्म्युला असा का आला ते नाही कळलं का? हा अच्छा देख, बहुत सिंपल सी चीज है. अभी मेरे को बताओ, ये जो इनिशियल स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, ये इनिशियल स्ट्रेस है, राइट? दिस वन इज योर इनिशियल स्ट्रेस, लेट मी मार्क इट एज डब्ल्यू आई, and this one is your external load का value, बराबर? External load, बराबर? अच्छा मेरे को बताओ, जब भी initial stress apply करते हैं,
is that because of any kind of external factor? Initial load किसी external factor के ऊपर depend रहता है क्या? नहीं तो उसका value को कोई भी multiplying factor नहीं डाला, ठीक है? अभी एक समझ के देखो, suppose एक मेरे पास एक metallic bar है, right? इसके ऊपर मैंने load apply किया है, right? एक load apply किया, तो इसके ऊपर जो load apply किया है वो क्या करेगा? धीरे धीरे इस block को elongate करेगा, right? समझ में आ रहा है ना? जब ही इलोंगेट करेगा तो इसका जो डायमीटर है, कहने से वो डायमीटर कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, डायमीटर कम होने के बाद सेम लोड उसको ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा. कम आई मीन ज्यादा कम, यानी ज्यादा मतलब विल दिस डायमीटर, चलो इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड पर यूनिट एरिया, बराबर? तो पहले सिचुएशन में स्ट्रेस कहने से कम था, ये वाले फर्स्ट सिचुएशन में स्ट्रेस कम था, बट जैसे थोड़े टाइम के बाद जब भी वायर इलोंगेट हो गया तो डायमीटर डिक्रीज हो गया. डायमीटर डिक्रीज हो गया तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस विल इंक्रीज. बट लोड चेंज किया है क्या आपने? नहीं, लोड चेंज नहीं किया, फिर भी इट इज इंक्रीजिंग, ज्यादा लग रहा है. क्यों? बिकॉज डायमीटर कम हो रहा है. तो यहाँ पे भी हम लोग जब यील्ड होता है, राइट, मटीरियल या फिर मटीरियल हम लोग इसलिए हम लोग किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर हैज टू बी इलास्टिसिटी, राइट? तो किसका किसका इलास्टिसिटी? एक तो बोल्ड का इलास्टिसिटी रहेगा और कनेक्टेड मेंबर्स का इलास्टिसिटी रहेगा, इसलिए हम लोग ने उनका रेशियो लिया है. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स में आपको गैस्केट का इलास्टिसिटी दिया रहेगा, ठीक है? पर सर उनमें टेंसाइल लोड है तो वो इलोंगेट हो गए ना, मतलब? पर हाँ बराबर, इलोंगेट ही हो गया ना, तो वही तो बात किया हम लोग ने, इलोंगेट ही तो हो रहा है, ऐसा बोला ना. हाँ. क्या हुआ आदित्य, कुछ और कंफ्यूजन है? आदित्य है कि गया? हाँ, तो इलोंगेट ही हो रहा है, यही डाउट था कि कुछ और डाउट है? फिर वो जो कनेक्टिंग मेंबर्स है उनका कुछ नहीं देखना? नहीं नहीं, उनका कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है? गैस्केट कितना इलोंगेट होता है, दबता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि गैस्केट कंपेयर टू द अदर कनेक्टिंग मेंबर्स, गैस्केट में ज्यादा जल्दी डिफॉर्मेशन या फिर चेंजेस आएगा. उसका क्रॉस सेक्शन कम, उसका थिकनेस कम रहेगा ना, इसलिए. ठीक है, चलो. इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार, व्हाट विल डू इज विल जस्ट मूव फॉरवर्ड और ये वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है? So W1 was my initial stress. अभी देखो, ये पहली बार हम लोग ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला लिख लेना, that is initial stress या फिर initial load is equal to 284 times of 2840 times of nominal diameter, ये वाला लिख लेना, ठीक है? Then W2 is nothing but external load, जैसे बात किया था, and A is the ratio of elasticity of connected parts to the elasticity of bolts. इतना पार्ट लिख के रेडी रहो, ये सिर्फ लिख लेना, ये फॉर्मूला लिखना है आपको. I'll just highlight जो लिखना है करके. एक तो आपको टाइटल लिखना है, फिर बाद में आपको ये W वाला पार्ट फॉर्मूला लिखना है, ये लिखना है, एंड देन ये वाला पार्ट लिखना है. इतना लिख के रेडी रखो, ठीक है? हां सर. तो ये ब्लू वाला अपन पोर्शन ले जाए? नहीं नहीं, ब्लू वाला नकल ही, ये वाला कंटेंट लिखने का जरूरत नहीं, इट इज देयर इन योर बुक, और ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे हम लोग, सिर्फ वो लिख रहे पार्ट जो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? तो वी आर नॉट राइटिंग दिस पार्ट. सर ये चैप्टर का टोटल वेटेज 6 मार्क है, ये टॉपिक का वेटेज 6 मार्क है? टॉपिक का वेटेज 6 मार्क का है, टॉपिक पूरा चैप्टर 12 मार्क के लिए आता है, वेल्डेड एंड थ्रेडेड पंच 12 मार्क के लिए आता है. अच्छा अच्छा सर, सब टाइप का खाली 6 मार्क के लिए पूछते हैं? 6 मार्क वो सिलेबस के हिसाब से है, पूछेगा तभी वो ज्यादा पूछेगा, क्योंकि कंबाइंड है ना. 6 × 1.5 कर रहा है, क्या बोलते हैं सर? 9 मार्क का सर विचारना है, ऑप्शन पकड़ो, चेंज होता है, बट 6 है तो एटलीस्ट 9 to 12 मार्क्स के आसपास पूछ सकते हैं ऐसे.
पर 9 मार्क्स के आसपास ही पूछेंगे, 9 या 10, 9 मार्क्स के आसपास पूछेंगे। हो गया लिख के? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, मेरे घर कुछ नहीं हो रहा। हो गया सर? हो गया। डन, चलो वी मूव फॉरवर्ड। ये फॉर्मूला लिख लिया सब लोग ने ना? हाँ सर। वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल टाइप 2, हेडिंग लिख लेना, ठीक है? सर हाँ, फॉर्मूला तो फ्लूइड टाइट जॉइंट्स आती है ना? हाँ, फ्लूइड टाइट जॉइंट्स आती कि वा अपन कुठले एकादा स्टीम बॉयलर मध्ये यूज करतो तर तिथे आपण यूज करतो। Anywhere where you don't want leakage to, you know, happen, at that point we are going to use such kind of formulas. Yeah, ये वाला part लिखना and then we'll start with the numerical. अच्छा आप लोग सब लोग books कौन सा use कर रहे हो? निराली। निराली use कर रहे हो ना, तो ठीक है। What I'll do is कि ये question लिखने का जरूरत नहीं है, we'll save time. मैं आपको question number बोल देता हूँ, ठीक है? हम लोग सिर्फ डेटा लिखते, क्वेश्चन पढ़ो और डेटा लिखो, ठीक है? एग्जाम ये दिस इज 6.4, प्रॉब्लम नंबर 6.4 और निराली में पेज नंबर है 6.15, ठीक है? चालू करें। तो द क्वेश्चन इज डिजाइन ऑफ द गोल्स फॉर सिलेंडर कवर कंसीडरिंग द स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस। तो यहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस हम लोग यूज करने वाले, तो देखते हैं क्या क्या दिया। The cylinder head of a steam engine is subjected to steam pressure of 0.7. तो pressure का information दिया है 0.7 बराबर, unit दिया है उसका newton per mm square, right? आगे है it is held in position by means of 12 bolts. 12 bolts मतलब किसका value दिया है? N. N दिया है आपको 12 bolts. The bolts are tightened with the initial preload of 1.5 times. The steam load, initial preload, मतलब उन्होंने WI का भी value दिया है यहाँ पे, right? दिख रहा है आप लोग सब लोग को? Yes sir. WI का value, WI या फिर W1 कितना value दिया है? 1.5 times of steam load. W. So WI का value या फिर W1 भी बोल सकते हैं। कितना दिया? 1.5 टाइम्स ऑफ स्टीम लोड। स्टीम लोड मतलब एक्चुअल लोड जो सिलेंडर के ऊपर आने वाला है वो स्टीम लोड, ठीक है? अ सॉफ्ट कॉपर गैस्केट इज यूज्ड टू मेक अ जॉइंट लीक प्रूफ। तो यहाँ पे कॉपर गैस्केट यूज करने वाले, ये इसके ऊपर से आपको ए का वैल्यू मिलेगा। मैं आपको टेबल बताता हूँ, टेबल से पता चलता है, ठीक है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 300। तो ये क्या है, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है, क्या है? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी दिया आपको 300 mm। Find the size of bolt. Size of bolt मतलब क्या find करना है? वो DO. पक्का? हाँ sir. Yes sir. Yes sir. DO find करना है. DO has to be find. ठीक है? So that the stress in bolt is not to exceed 100 megapascal. मतलब? Sigma T. Sigma T. Sigma T ये आपको 100 megapascal. That is 100 newton per mm square. Data लिख लिया सब लोग ने? Yes sir.
ना देखो व्हाट आई वांट यू टू डू इज ना मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो मैं आपको सिर्फ तरीका और सोचने का तरीका बताता हूं ठीक है एवरीवन देयर विद मी यस सर ठीक है देखो आपको हमेशा ना जब भी आपको सोचना है ना उल्टा सोचने का क्या कैसा सोचने का उल्टा सोचने का ठीक है हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए साइज ऑफ बोल्ट चाहिए ठीक है सही है साइज ऑफ बोल्ट साइज ऑफ बोल्ट डीओ डीओ का वैल्यू चाहिए तो कौन सा वैल्यू चाहिए कौन सा डायमीटर पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा वो दिया है हम लोग को यहाँ पे राइट सिग्मा टी का फॉर्मूला में डब्ल्यू अपॉन ए आता है ए में आपको डीसी का वैल्यू रहेगा तो आपको डब्ल्यू का वैल्यू पता होना चाहिए डब्ल्यू का वैल्यू देखो ये फॉर्मूला में दिया है दिख रहा है तो ये और इसमें डब्ल्यू एक सिंगल के लिए चाहिए आपको डब्ल्यू एन दिया है टोटल लोड दिया है आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल लोड इसका फॉर्मूला क्या आएगा डब्ल्यू अपॉन ए ये डीसी आपको ए में मिल जाएगा समझ में आ रहा है तो सिग्मा टी में आपको डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए राइट डब्ल्यू का वैल्यू थोड़ा से मिलेगा तो इनिशियल सर प्रेशर से कर सकते हैं हाँ प्रेशर से करेंगे ना वही वैसे ही करेंगे बट प्रेशर क्या आएगा आपका डब्ल्यू एन अपॉन एरिया राइट एरिया में आपको कौन सा फॉर्मूला आएगा ये वाला हाँ राइट लिख लेता हूँ पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर नाउ Wn will be Wi upon 1.5. Yes, sir. समझ में आ रहा है तो अभी आपके पास सॉरी पहले आपको यहाँ पे W दिस इज नॉट डब्ल्यू आई दिस इज ओनली डब्ल्यू आई दिस इज इक्वल टू इनिशियल लोड तो पहले हम लोग सिर्फ डब्ल्यू आई का वैल्यू यूज करके W फाइंड करेंगे ठीक है क्लियर है Once you get the value of W and we know the value of N, तो हम लोगों को total load का value पता चल जाएगा. Once we know the value of total W, total load, हम लोग फिर यहाँ से DC का value find करेंगे. DC का value मिलने के बाद आपको DO का value पता चल जाएगा और आपको इसका main diameter पता चल जाएगा. ये समझ में आ रहा है? So ultimately हम लोगों को इतना पता चल रहा है कि सर pressure से चालू करना है सब. इतना तो clear है? ठीक है तो चलो वहां से चालू करते मैंने डेटा रब कर दिया डेटा है ना आप सब लोग के पास हाँ सर सर जो डब्ल्यू आई के फॉर्मूला में हमको 1.5 डब्ल्यू मिला है और सिग्मा टी वाला डब्ल्यू तो सेम ही होगा ना सर नहीं उसमें टोटल लोड रहता है सिग्मा टी वाले में उसमें टोटल लोड रहता है इसलिए वैसा नहीं करेंगे ठीक है चलो चालू कर दे मैं बता दूं आपको कैसे करना है एक रिलेशन तो पता है हम लोगों को कि W1 is equal to 12840 times of W ये पता है ना आप लोगों को W1 is equal to 2840 times of DO ये लिख के रखते हैं साइड में तो सबसे पहले हम प्रेशर के पास से चालू करेंगे राइट नाउ द टोटल लोड एक्टिंग ऑन सिलेंडर कवर ड्यू टू स्टील लोड क्या होगा लोड विल बी नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर का वैल्यू कितना दिया है 0.7 एरिया आएगा आपका पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर डी का वैल्यू कितना है 300 सो ये आएगा तो आपको इसमें से w का वैल्यू मिल जाएगा नाउ दिस w का वैल्यू नथिंग बट योर टोटल लोड तो आपको टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा बताओ कितना आ रहा है मेरे को कैलकुलेट 49 किलोन्यूटन 49.48 kN W आपको मिला 49.48 किलो न्यूटन अपॉन 12 क्योंकि 12 बोल्ट है तो आंसर कितना आ रहा है 4.23 किलो न्यूटन 4123.23
0.34 न्यूटन सही है. तो दिस इज द लोड एक्टिंग ऑन सिंगल सिंगल बोल्ट. एक सिंगल बोल्ट के ऊपर इतना लोड एक्ट हो रहा है. नाउ अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको कंबाइंड फोर्सेस के बारे में बात किया ना यहाँ पे कहाँ पे गया. हाँ तो स्टीम प्रेशर हम लोग ये जो सम कर रहे हैं कंबाइंड फोर्सेस के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको उन लोग ने इनिशियल लोड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है. तो टोटल लोड जो एक्ट होगा आपके बोल्ट के ऊपर उसका वैल्यू कैसे आएगा. दैट विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस के इंटू डब्ल्यू टू. ये समझ में आ रहा है ठीक है. तो डब्ल्यू वन का वैल्यू आप लोग ने ऑलरेडी ढूंढा था यहाँ पे. डब्ल्यू वन का वैल्यू क्या दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टीम लोड राइट. ये समझ में आ रहा है. तो डब्ल्यू ये देखो डीओ तो पता नहीं अभी तक समझ में आ रहा है. डीओ अभी तक पता नहीं है तो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो वी कैन यूज 2840 इनटू डीओ राइट इनिशियल लोड प्लस के. के का वैल्यू अभी तक दिया नहीं है बट सिंस कॉपर है कॉपर गैस्केट के लिए के का वैल्यू विल बी 0.6. मैं आपको एक टेबल देता हूँ बाद में जिसमें आपको हर कॉपर के लिए डिपेंडिंग अपॉन द मेटल्स आपको वैल्यूज चेंज होता है ठीक है. तो के का वैल्यू दिया आपको कितना 0.6. ये समझ में आ रहा है. फिर बाद में डब्ल्यू टू का वैल्यू आपने फाइंड किया कितना आया 4123.34 बराबर. ये समझा आप सब लोग को. हाँ सर ठीक है. सो डब्ल्यू टू का है डब्ल्यू टू दिख रहा है ना यहाँ पे. हाँ हाँ वापस करें क्या. नहीं ठीक है चलेगा पक्का. देखो छोटा सा रिकैप करते हैं कुछ नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपको अल्टीमेटली बोल्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ प्रेशर टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिलेंडर. तो अगर ये मेरा सिलेंडर का हेड है राइट तो नीचे से जो प्रेशर आ रहा है राइट और ये एरिया बेस्ड ऑन दिस प्रेशर एंड एरिया मेरे को एक टोटल लोड मिलेगा. टोटल लोड कितना मिल रहा है 49.48 किलो न्यूटन. ये तो टोटल टोटल लोड है 12 बोल्ट के ऊपर इतना लोड एक्ट हो रहा है टोटल राइट. हम लोग को एक बोल्ट के ऊपर एक्ट कितना हो रहा है वो चेक करने के लिए डिवाइड बाय 12 किया. तो दिस इज द लोड एक्टिंग ऑन सिंगल बोल्ट. ये एक्सटर्नल लोड का बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है. ये हो गया एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन सिंगल बोल्ट. ये W2 है एक्सटर्नल लोड राइट. बट जब भी कंबाइंड फोर्स आता है तो आपको ये फॉर्मूला से एक्चुअल लोड मिलता है दैट इज एक्सटर्नल लोड मल्टीप्लाई बाय के प्लस इनिशियल लोड. समझ में आ रहा है. तो इनिशियल लोड का वैल्यू दिया नहीं आपको बट इनिशियल लोड का फॉर्मूला पता है 2840 टाइम्स ऑफ डीओ होता है. ये लिखवा के दिया था मैंने आपको याद है राइट. तो वो वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ इक्वेशन रेडी रखा और कुछ नहीं किया. इतना क्लियर है आपको सब लोग को ठीक है. अच्छा ये लिख के रखा है आप लोग ने. करूँ इरेज कर दूं मैं ये वाला पार्ट. हाँ सर चलेगा ठीक है. चिकन नहीं लिखा एक सेकंड. नाउ सो वी गॉट W इज इक्वल टू 2840 डीओ प्लस 0.6 इनटू 4123.34 राइट. ये मिला राइट. नाउ डब्ल्यू का वैल्यू पता भी अभी ये जो डब्ल्यू है ना दैट इज द एक्चुअल लोड एक्टिंग ऑन एवरी बोल्ट. मतलब एक्सटर्नल लोड प्लस इनिशियल लोड इनिशियल स्ट्रेस लोड. समझ में आ रहा है. वी कैन यूज दिस फॉर्मूला लोड इन आवर एक्चुअल स्ट्रेस. तो डब्ल्यू अपॉन ए डब्ल्यू का बदले ये फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज 2840 D0 प्लस 0.6 इंटू 4123.34 राइट. एरिया में नीचे कौन सा एरिया आएगा बोल्ट का एरिया आएगा तो पाई बाय 4 इंटू क्या लिखो यहाँ पे DC square राइट DC square. बट यहाँ पे देखो DO है और DC है दोनों अननोन है तो हम लोग को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे के फॉर्म में लाना पड़ेगा. ला सकते हैं क्या. ला सकते हैं राइट. 0.84 कर देंगे राइट. तो DC के बदले 0.84 टाइम्स ऑफ DO लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ठीक है मैं इरेज करके वापस दूसरा लिख रहा हूँ ठीक है. बट वो स्टेप याद रखना. सो इनटू
0.84 डीओ होल स्क्वायर, ये समझा आपको राइट? अभी इसमें सिग्मा टी का वैल्यू पता है आपको, जो जो वैल्यूज है मैं हाईलाइट कर रहा हूं ठीक है, सिग्मा टी का वैल्यू पता है राइट? दिया ना यहाँ पे 100 मेगा पास्कल, हाँ सर राइट, देन फिर बाद में डीओ, तो डीओ नहीं पता है, बाकी सब कहने से सिर्फ कॉन्स्टेंट, सिर्फ डीओ अननोन है, तो डीओ कैलकुलेट कर लोगे आप? हाँ सर ठीक है, आप कैलकुलेट करना चालू करो, मैं इक्वेशन को सिंपलीफाई करता हूँ साइमल्टेनियसली ठीक है, तो इनकेस अगर आपको कहीं पे ऊपर वाला डब्ल्यू है हाँ, वो सिंगल वोल्ट पे कितना लोड एक्ट हो रहा है वो है ना? हाँ सिंगल वोल्ट पे कितना लोड एक्टर है, बट ये जो लोड एक्ट हो रहा है ये वाला जो लोड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लोड, वन इज एक्सटर्नल अदर इज इनिशियल, तो उनका कॉम्बिनेशन करके लिया है एक्सटर्नल एंड इनिशियल, समझा? तो डेसिमल में आ रहा है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे? नहीं नहीं मीटर में नहीं, ये डेसिमल में, एम के फॉर्मेट में लिखेंगे, नेक्स्ट इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ना, बिफोर चेंजिंग वी विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट इवन नंबर, तो 52 के बाद नेक्स्ट 54, तो आपका होल्ड कौन सा यूज होगा यहाँ पे? एम 54, ये समझ में आया आपको? क्लियर है? सर एक सेकंड बस कैलकुलेट करना है, ठीक है कैलकुलेट करके बताओ कि आप कर रहे हो सर। सर वापस से एक बार बताओ ना सर, मेरा फोन डेड हो गया था बीच में। ओके कहाँ से, ये वाले पार्ट से बताओ सर, स्टार्टिंग से बताओ, मैं सब कंफ्यूज हो गया पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बाकी लोग को किसी को प्रॉब्लम नहीं ना कोई? नहीं सर, नहीं सर, वापस से कर दे ठीक है। ओके सर, ओके देख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन डेटा तो है ना तेरे पास, अभी फिलहाल गिवन डेटा है तेरे पास? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर है। तो हम लोग चालू करते हैं प्रेशर से, ठीक है? प्रेशर कितना दिया है? टोटल प्रेशर इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया राइट, तो जो आपके पास सिलेंडर था राइट, वट एवर सिलेंडर वॉज देयर, उसके नीचे से प्रेशर आ रहा था और इसका कुछ तो डायमीटर था राइट, राइट, तो इसके ऊपर लोड कितना एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, तो उसके बारे में बात किया था ठीक है। तो आपको प्रेशर कितना दिया था? 0.7 राइट। सर एक मिनट सर, आपका वीडियो नहीं चल रहा सर। वीडियो नहीं चल रहा है, बाकी लोग का चल रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, प्रणव अभी चल रहा है? नहीं सर। कर्सर हिलते हुए दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। तो देखो यहाँ पे P is equal to W upon A use किया है right? आपको load find करना है, तो load find करना है, तो कहने से we can write W is equal to pressure into area right? Pressure का value दिया है आपको 0.7 into A। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि है ना ये बहुत ज्यादा bandwidth खा लेता है फिर ठीक है, तो 0.7 into A, A का value क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा? पाई बाय 4 इस ए सिलेंडर का डायमीटर, हाँ सर पाई बाय 4 इनटू बराबर, इतना समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा डी का वैल्यू दिया है 300 दिया है राइट, तब वैल्यू पता है, तो आपको टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है या ये सिलेंडर के ऊपर वो पता चलेगा, ये समझा आपको? जो टोटल लोड एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल लोड का वैल्यू? 49 कुछ तो आ रहा है, 49.48 अच्छा प्रणव ये बताइए, पूरे सिलेंडर के ऊपर है ये, अगर पूरा सिलेंडर है तो ये पूरे सिलेंडर के ऊपर इतना आ रहा है, तो हर एक बोल्ट के ऊपर कितना आएगा?
W n divided by n, right? और ये जो लोड है कैसे, that is nothing but external load है, तो W2 लिखते external load को W2 से represent, तो W upon 12, W upon 12 करेगा तो तेरे को आंसर मिलेगा 4123.3 newton, right? तो हर एक बोल्ट के ऊपर external load कितना act हो रहा है, इतना, that is this, ये समझा, right? हाँ सर. जब भी हम लोग कंबाइंड फोर्सेस का बात करते हैं तो दो लोड ऐड होता है, एक तो एक्सटर्नल लोड और दूसरा होता है इनिशियल लोड. एक्सटर्नल लोड हो गया, अभी इनिशियल लोड के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग W1 से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इनिशियल लोड के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा रिलेशन बताया था, दैट वाज 2.40 into DO, बराबर. तो आपके पास इनिशियल लोड भी है और एक्सटर्नल लोड भी है, तो कंबाइंड फोर्सेस जब भी हम लोग देखते हैं तो टोटल लोड का फॉर्मूला ऑन ईच बोल्ट इज W1 प्लस K इनटू W2, बराबर. तो होगा आपका टोटल लोड एक्टिंग ऑन वन बोल्ट, इतना समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ वो लिखना था आपको पिछला वाला पार्ट? नहीं लिखा है सर. ठीक है, अभी देखो मैं वापस फॉर्मूला, W इज इक्वल टू W1 plus K into W2, ठीक है? W1 का वैल्यू कितना था आपको? W1 2840 DO. कॉपर के लिए हम लोगों ने K यूज किया है 0.6, राइट? और W2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1423, सॉरी कितना था? 4123 सर. 0.34 न्यूटन, बराबर. ये आपको W का वैल्यू मिल गया. Now, W मिल गया एक बोल्ट के ऊपर, तो हम लोग अभी टेंसाइल स्ट्रेस इजीली फाइंड कर सकते हैं. टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट W अपॉन A, राइट? तो ये जो फॉर्मूला है W, उसको ऊपर लिख सकते हैं 2840 DO प्लस 0.6 इनटू 4123.34 न्यूटन. ये न्यूटन लिखने का जरूरत नहीं, राइट? सिग्मा टी में हम लोग एरिया में डायमीटर कौन सा यूज करते हैं, डीसी या डीओ? डीसी. तो पाई बाय 4 इनटू डीसी का स्क्वायर, ये समझा? नाउ देखो डीसी एक है और एक दूसरा डीओ है, तो दो दो एक इक्वेशन दो अननोन रख के कुछ फायदा नहीं होगा, तो एक अननोन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डीसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ सही. ओके ठीक है, डीसी के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? What can we write instead of DC? DO 0.84. बराबर बोल रहा है, बराबर. 0.84 DO. 0.84 DO. 0.84 DO. Right? और ऊपर वाला टर्म वैसा ही रहेगा. ऊपर वाला टर्म क्या था आपका? 2840 DO plus 0.6 plus into 4123.3. ठीक है, तो इसमें अभी दिख रहे सिर्फ एक ही अननोन बचा है, तो आपको डीओ मिल जाएगा यहाँ से. एक बार आपको डीओ का वैल्यू मिल गया, तो डीओ का वैल्यू इज नथिंग बट योर बोल्ट का साइज. समझ में आ रहा है? सिर्फ इसका कैलकुलेशन करो और फिर रेडी रखो, देन वी कैन स्टार्ट. ओके ओके. नाउ व्हाट वी विल डू इज, वंस 12 बज गया, what we'll do is we'll take a break of 15 minutes and then we'll start again, ठीक है? Okay sir, चलिए. पहले ये complete कर लो, कितना किसका किसका हो गया इसका answer, M का value मिल रहा है? मेरा हो गया sir. Paul, मेरा, बालन, रोशन. हो गया sir. Sir, बोल, 54. Sir, sir. बोल ना. तरता M 52 वाला होता ना sir, माता M ची values, M मधे कुटले कुटले values असता diameter चा standard. फक्त इवन नंबर असतात, इवन नंबर असतात 52 म्हणजे 56 पण असेल, 58 पण असेल ना. हां पण आपण फक्त इवन नंबर चे रेंज असतात एम मध्ये ना, इवन नंबर चे रेंज घेतो. हां सर, म्हणजे प्रत्येक अल्टरनेटिव नंबर ना, प्रत्येक अल्टरनेटिव नंबर 52 नंतर 54 देन 56 58 60 असे. हां सर, हां सर. So, final answer आपको कितना मिला, M का कितना value मिल रहा है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ कोर डायमीटर आल्सो टीसी का वैल्यू भी फाइंड करके रखो कितना आएगा ठीक है जिन लोगों को एम एम का वैल्यू मिल गया दैट इज डीओ का वैल्यू मिल गया डीसी का वैल्यू भी फाइंड करके रखो 43.76 आ रहा है कि 45 आ रहा है सर 54 लेना है ना डीओ हां डीओ 54 मैं डीसी का बात कर रहा हूं अरे एम 54 से मल्टीपल नहीं करने का सर तेनी 54 ने मल्टीपल इसके ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है हां सर 45.36 सर 54 से सोबत कैसा 54 कहां का नाउ देखो ऑल्दो योर जब भी तू गोल्ड एक्चुअल में यूज कर रहा है तो कौन सा गोल्ड यूज कर रहा है 54 वाला यूज कर रहा है बराबर मतलब तूने जो गोल्ड खरीदा है उसका डायमीटर कितना है 54 है ना ये तो कैलकुलेशन में है तेरे को इतना वैल्यू या इसका वैल्यू कितना मिला 52.11 राइट हां सर 45.36 आ रहा है हां राइट आंसर आएगा 45 यहां पे 4 3 नहीं आएगा 5 आएगा सो 45.76 mm समझ में आ रहा है यस सर हां सब लोग को आंसर कुछ डाउट है नो सर ठीक है इफ यू वांट व्हाट यू कैन डू इज ये दिस क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6.4 बोला ना मैंने प्रॉब्लम 6.4 है एंड पेज इज 6.15 इन निराली ठीक है अगर ब्रेक में अगर आपको चाहिए तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो 6.5 ठीक है एग्जाम में पूछा हुआ है और वो सेम बेसिस के ऊपर सर ठीक है निराली में आपको ना प्रॉपर का उसका चार्ट टाइप ऑफ जॉइंट पे है ना एक चार्ट है वो भी मिल जाएगा गो ऑन पेज पेज 6.2 6.2 के पेज के ऊपर आपको चार्ट मिलेगा एक वो चार्ट रेफर करके आपको के का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है हां सर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं अभी 12:05 हो रहा है ठीक है 12:20 को हम लोग वापस नेक्स्ट सेशन चालू करते हैं ठीक है ओके सर हां सर करो बंद ना किसी को डाउट नहीं है ना कोई हां सर नेक्स्ट सेशन कब रहेगा 12:20 12:20 को जाना है बाहर नहीं मेरे को नहीं आनेगा सिद्धांत को रहेगा नहीं सर मैं भी घर पे ठीक है चलेगा कोई बात नहीं देखते चलो 12:20 ओके सर